देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है यस मैम ठीक है देखो हम लोगों ने लास्ट लेबर जो है वो कंप्लीट कर लिया था ठीक है तो आज हम लोग ओवर एड स्टार्ट करेंगे ठीक है तो देखो ओवरइट इसको हम लोगों ने जो इंट्रो क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट का जो भी था या फिर बेसिक लेक्चर्स जो है कॉस्ट उसमें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मतलब पूरा ओवरइट नहीं ओवरइट क्या होता है ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं ठीक है ओवरइट क्या होता है तो ओवरइट एक्चुअली होता क्या है ओवर इट का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है कॉस्टिंग में जिसे ओवर बोलते हैं वो क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ठीक है क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट को देखा था कितने तरह से हम लोग कॉस्ट को डिवाइड कर पाते थे अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट को क्लासीफाई किया था ठीक है जहां पर हम लोगों ने एलिमेंट के हिसाब से किया था तो एलिमेंट के हिसाब से क्या था मेट्रियल लेबर और ओवर देखो मेट्रियल लेबर और ओवर ठीक है अच्छा अब देखो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो जाता है इनडायरेक्ट मेटेरियल हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है ठीक है ये सब मिला के ओवर चलो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं एक हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ से भी देख सकते हैं और एक है बिजनेस रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट ठीक है अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कोई भी कोर्स में उसने एडमिशन लिया हो ठीक है चाहे वो सीए हो सीएस हो सीएम हो या फिर बीकॉम हो जो भी हो ठीक है देखो तो उसके लिए उसके लिए भी तीन चीज हो सकता है मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंस जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें तीन मेन चीज चाहिए होता है एक होता है मेटेरियल दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है अदर एक्सपेंसेस जिसको कॉस्टिंग में ओवर बोलते बोलते वैसे ह्यूमन बींग यानी कोई स्टूडेंट के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल हो सकता है कैसे देखो अगर कोई स्टूडेंट के लिए मेटेरियल का हम लोग देखें अगर हम लोग मेटेरियल का देखे ठीक है तो मेटेरियल उसका क्या हो सकता है उसके पास मेटेरियल क्या होगा पढ़ाई लिखाई के लिए तुम लोग के पास मेटेरियल क्या हो सकता है बुक्स ठीक है बुक्स और और क्या हो सकता है मेटेरियल का मतलब क्या होता है कोई भी सब्सटेंस ठीक है ये सब लैंग्वेज हम लोगों ने यूज किया था जब हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे थे कि मेटेरियल क्या होता है लेबर क्या होता है लेबर का मतलब मेहनत से काम करना ठीक है लेबर का मतलब कॉस्टिंग में हर तरह का लेबर हो सकता है स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड ठीक है चाहे वो सैलरीड पर्सन हो चाहे वो मतलब कैसे भी हो ठीक है वेजेस मिले तो भी वो लेबर ही कहलाएंगे ठीक है और अगर सैलरी मिले तो भी लेबर कहलाएंगे तो ये देखो अगर स्टूडेंट को बुक्स चाहिए पढ़ाई के लिए तो बुक्स क्या हो जाएगा मेटेरियल ऑब्वियसली बुक्स का मतलब तो लेबर नहीं हुआ अदर एक्सपेंस भी नहीं हुआ तो बुक्स का मतलब क्या हो गया मेटेरियल हो गया तो अगर बुक्स ले रहे हैं तो ये बुक्स क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल क्यों डायरेक्ट मेटेरियल होगा क्योंकि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो भी बुक्स खरीदा है फॉर द ऑफ आवर स्टडी वो वो सारे 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 बुक्स बुक्स क्या है वो सारे के सारे बुक्स का का प्राइस हम लोग बता सकते हैं क्योंकि देखो material दो तरह का था डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेटेरियल का मतलब क्या था जो मेटेरियल का कॉस्ट हम लोग वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में बता सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे पहले हम लोग अपने लाइफ से जोड़ के इसे बताते हैं तो बुक्स हमारे लिए क्या हो गया डायरेक्ट मेटेरियल क्यों डायरेक्ट मेटेरियल होगा क्योंकि जब हम लोग बुक्स

बुक्स uh, का प्राइस क्या है फाइव हंड्रेड ये हम लोग इजिली बता सकते हैं इसीलिए ये हमारा डायरेक्ट मेटेरियल है अच्छा अब देखो इनडायरेक्ट मेटेरियल क्या हो सकता है अब देखो जैसे बुक्स चाहिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए वैसे खाना पीना भी चाहिए ठीक है तुम लोग को फूड भी चाहिए होगा तो फूड जो है वो क्या हो जाएगा फूड को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मेटीरियल क्यों इनडायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि फूड भी है चाहे कुछ भी तुम लोग खाओ फूड भी तुम लोग के लिए क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट मेटीरियल हो जाएगा अब इनडायरेक्ट मेटीरियल क्यों है क्योंकि तुम लोग ये नहीं बता सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने रुपए का खाना खर्चा किया ये नहीं बता सकते हो मान लो तुम लोग जो लोग मतलब देखो घर पे रहते हो वो अपना खाने का हिसाब उस तरह से नहीं रख पाते हो लेकिन जो लोग वगैरह में रहते हो तो उनका एक एस्टिमेशन होता है ठीक है जैसे मान लो कोई होम डिलीवरी ले रहे हो कुछ भी तो तुम लोग को पता होता है कि लेकिन एक फिक्स खर्चा तुम लोग को पता होता है ठीक है लेकिन खर्चा जितना भी पता क्यों ना हो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक -एक पे हम लोगों ने कितने रुपए का खाना मतलब एक एक सब्जेक्ट रेडी करते हुए हमारा खाना खर्चा कितना है ये हम लोग नहीं बोल सकते हम लोगों ने जितना भी खाना खाए एक महीने में तो एक महीने में जितना पढ़ा, उस पे उसका खर्चा कितना होगा ये ये पॉसिबल नहीं नहीं है है बोल बोल पाना ठीक तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अकाउंट्स पे कितना खर्चा किया ठीक है अकाउंट्स स्टडी करते हुए खाने का खर्चा कितना हुआ कॉस्ट का या फिर लॉ का या फिर टैक्स का ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जब हम लोग वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वही हमारा इनडायरेक्ट मेटेरियल होता है तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट मेटेरियल हो गया क्या खाना ठीक है क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि खाने का खर्चा पर सब्जेक्ट पे कितना आया बट पर सब्जेक्ट का बुक्स का खर्चा हम लोग बता सकते हैं मैंने यहाँ से 500 किया है कुछ और भी हो सकता है मैंने जस्ट एक एवरेज बता दिया है ठीक है उसी तरह से लेबर अगर देखोगे तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम लोग का मेन लेबर टास्क क्या हो जाएगा मेन लेबर टास्क हो जाएगा तुम लोगों का हार्ड वर्क ठीक है मतलब तुम लोग को जो पढ़ाई करने पड़ रहा है स्टडी ठीक है स्टडी जो है वही तुम लोग का मेन जो है वो लेबर हो जाएगा यहाँ पर हम लिखते हैं स्टडी जो पढ़ाई करते हो ठीक है पर्टिकुलर टाइम पे ये पढ़ाई कैसे करोगे खुद ठीक है खुद करना पड़ेगा ये मेरे पास नहीं मतलब ट्यूशन लेने का बात नहीं कर रहे है. खुद से जो सेल्फ स्टडी करोगे वो तुम लोग का लेबर होगा तुम लोग का लेबर होगा ठीक है उसमें और जो भी क्लास कर रहे हो मेरे पास जो क्लास कर रहे हो वो भी स्टडी है ठीक है तो ये तुम लोग का क्या हो जाएगा डायरेक्ट लेबर ठीक है ये तुम लोग का हो गया डायरेक्ट लेबर ठीक है अच्छा अब Osionfish. ये देखो ये तुम लोग बता सकते हो कि, हो कि, कि पर सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया ये तुम लोग बोल सकते हो कॉस्ट पढ़ने में कितना टाइम लगाया टैक्स पढ़ने में कितना टाइम लगाया लॉ पढ़ने में कितना टाइम लगा और मान लो अकाउंट्स पढ़ने में कितना टाइम लगा तुम लोग ये टाइम बता सकते हो कि पर्टिकुलरली टाइम कितना लगाया अभी हम पैसे का बात नहीं कर रहे हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी कर रहे उसमें टाइम बता सकते हो तुम लोग ठीक है जैसे मान लो डेली में कॉस्ट पढ़ते हो टू आवर ठीक है फॉर एग्जाम्पल टैक्स पढ़ते हो थ्री आवर्स लॉ पढ़ते हो मान लो टू आवर्स ठीक है और यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ते हो मान लो टू आवर्स ठीक है ऐसे ही मैंने ले लिया रैंडमली ठीक है तो ये हम लोग बता सकते हैं कि पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट पे हम लोगों ने कितना टाइम दिया ठीक है अब डेली बेसिस पे बोलो वीकली बेसिस पे बोलो हम लोग बोल सकते हैं अब क्या होता है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम लोग को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं ठीक है कि अगर हम लोग हेल्थ का ध्यान ना दे तो हमारे लिए लॉस होता है वो ठीक है तो हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर योगा ठीक है तो मेडिटेशन वगैरह अगर हम लोग कर रहे हैं तो उस पर भी हमारा टाइम जा रहा है लेकिन मेडिटेशन मान लो रोज सुबह या फिर शाम को जो जब भी टाइम होता है ठीक है मान लो टू आवर्स मेडिटेशन करते हो लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि उस मेडिटेशन का कितना टाइम कॉस्ट पे जा रहा है कितना टाइम टैक्स पे अपोर्शन हो रहा है कितना लॉ पे हो रहा है और कितना अकाउंट पे हो रहा है ये हम लोगों के लिए बोल पाना पॉसिबल नहीं है ठीक है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये हो जाएगा हम लोग का इनडायरेक्ट लेबर ठीक है ये इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो टाइम हम लोग कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट पे कितना कर रहे वो नहीं बोल पा रहे ठीक है यहाँ पर सब्जेक्ट रेडी करना ही हमारा फिनिश गुड्स है ऐसा एक्जन के साथ हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो ये देखो मेटेरियल के हिसाब से बुक्स हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि बुक्स का खर्चा कितना है बट फूड का खर्चा हम लोग एक एक सब्जेक्ट पे नहीं कैलकुलेट कर सकते लेबर जो है स्टडी एक एक सब्जेक्ट कितना टाइम कर रहे हैं हम लोग बोल सकते हैं बट मेडिटेशन एक एक सब्जेक्ट पे कितना आ रहा है कितने टाइम का अगर रोज दो घंटा भी मेडिटेशन करते हो तो कितना टाइम पर सब्जेक्ट पे होता है ये हम लोग नहीं इजीली बता सकते क्या एकदम नहीं बता सकते हैं बता सकते हैं ठीक है वो देखेंगे कैसे इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन डायरेक्टली इजिली नहीं बता सकते जैसे यहाँ से देख के बता सकते हैं ठीक है नाउ अदर एक्सपेंस अदर एक्सपेंसिस का एग्जाम्पल में देखते हैं क्या हो सकता है देखो अदर एक्सपेंसेस में देखो तुम लोग क्या ले रहे हो क्लास ज्वाइन कर रहे हो ठीक है मतलब कोचिंग ठीक है कोचिंग क्लास का खर्चा तो कोचिंग क्लास का खर्चा तुम लोग को पता है ठीक है जैसे हम लोगों ने भी फीस लिया है तुम लोगों से तुम लोग को पता है कि तुम लोग का कोर्स का क्या फीस है वहां पर बाईफर्केशन भी रहता है कि अकाउंट्स का कितना है लॉ का जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसका फीस तुम लोग को दिख जाएगा ठीक है कि कितना फीस है तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि तुम लोग इजिली बोल सकते हो कि तुम लोगों ने अकाउंट्स के लिए कितना फीस पे किया है ठीक है कॉस्ट के लिए कितना फीस पे किया है टैक्स के लिए कितना फीस पे किया है और क्या हो जाएगा गा मान लो 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 के लिए कितना फीस पे किया ये तुम लोग इजीली बता सकते हो कि कितना फीस पे किया इसको भी हम एक रैंडमली 5000 करके रख देते ठीक है ऐसे ही रख रहे हैं हम 5000 5000 5000 ऐसे करके रख दिया मैंने तो ये हो गया हम लोग का 20000 ये बोल सकते हो पर सब्जेक्ट पे कितना खर्चा किया तो ये कोचिंग क्लास का खर्चा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस लेकिन कोचिंग क्लास को अटेंड करने के लिए तुम तुम लोगों का क्या खर्चा लग सकता है अब देखो जैसे ऑनलाइन पे करते हो तो मेनली क्या खर्चा हो जाता है मेनली जैसे डेली बेसिस का खर्चा अगर देखे तो एक नेट नेट का जो ये होता है मतलब नेट पैक वगैरह यूज करना पड़ता है तो उसका एक खर्चा हो जाता है तो तुम लोग क्या ये बोल सकते हो जैसे ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो सकता है नेट पैक का खर्चा एक हो सकता है ना तो ये नेट पैक का खर्चा जो भी जैसे मान लो पांच सौ सात सौ आठ सौ जितना जितने का भी तुम लोग नेट पैक यूज क्यों ना करो क्या बोल सकते हो कि पर सब्जेक्ट में का खर्चा कितना है नहीं बोल सकते इसके अलावा इसके अलावा जैसे मान लो अगर आके पढ़ रहे हो कभी कभार आके पढ़ रहे हो और उस आने के लिए ठीक है डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लो कोई भी आ, जो है कन्वीनियंस यूज कर रहे हो जैसे मान लो खुद का गाड़ी हो सकता है ठीक है खुद का बाइक हो सकता है या फिर बस से ट्रेवल कर रहे हो ऑटो से ट्रेवल कर रहे हो अगर ऐसा किसी भी तरीके से आ रहे हो तो उसके लिए तुम लोग का जैसे मान लो फ्यूल कॉस्ट वगैरह लग सकता है ठीक है ये लग सकता है लेकिन ये मान लो खुद का अगर गाड़ी है किसी का ठीक है कोई गाड़ी करके आ रहा है या फिर मान लो बस करके आ बस से आ रहे हो तो बस से आ रहे हो तो बस का जो भाड़ा लग रहा है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना लग रहा है आ रहे हो मान लो सारा सब्जेक्ट पढ़ के ही जा रहे हो डेली बेसिस पे तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना खर्चा हुआ ठीक है तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि पे कॉस्ट कितना आएगा जाने आने का ठीक है कॉस्ट पे कितना आएगा या फिर नेट पैक का खर्चा जो भी देख लो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हिसाब से ही मैंने एक बार बताने का कोशिश किया ठीक है तो ये सब जो खर्चा है हम लोग नहीं डायरेक्टली बता सकते तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये सारा खर्चा हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मेन बात ये हो गया कि अगर कोई खर्चा हम लोग वन यूनिट ऑफ आउटपुट में नहीं बता सकते हैं तो वो हम लोग का इनडायरेक्ट होता है लेकिन अगर वन यूनिट ऑफ आउटपुट में हम लोग इजिली बता सकते हैं तो वो हम लोगों का डायरेक्ट खर्चा हो जाता है जैसे देखो ये सारा डायरेक्ट खर्चा ये हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितना टाइम दिया है ठीक है कितना हम लोगों ने कितने का बुक्स खरीदा है कितने का हम लोगों ने कोचिंग लिया है पर सब्जेक्ट का बट कुछ ऐसे भी चीज है जो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते इकट्ठा बता सकते कि कितना खर्चा किया है बट डायरेक्टली एक एक सब्जेक्ट पे कितना है वो नहीं बता सकते ठीक है अब यही चीज को हम लोग देखो बिजनेस के रेस्पेक्ट में समझेंगे ठीक है जैसे मान लो अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है फर्नीचर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई ठीक है तो ये लोग क्या बना सकते हैं तो ये चेयर बना सकते हैं टेबल बना सकते हैं ठीक है सोफा बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं ठीक है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनका मेटेरियल क्या क्या हो सकता है देखो इनका मेटेरियल इनका भी दो तरह का हो सकता है मेटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है ठीक है अगर मान लो कि लकड़ी का चीज होता है जैसे प्लास्टिक का भी तो चेयर वगैरह होता है तो अगर मान लो लकड़ी का होता है उठ तो इनका डायरेक्ट मेटेरियल क्या हो जाएगा उठ क्योंकि इनको पता है कि एक एक चेयर में कितने रुपए का उड लगता है वो ये बता सकते हैं नेल्स जो किला होता है ना तो ये भी बता सकते हैं कि एक चेयर को बनाने में आठ दस कितना किला लगता है या फिर एक टेबल या बेंच को बनाने में कितने किले लगते हैं ये बता सकते हैं ठीक है लेकिन ये जो मशीन में बन रहा है ये जो फर्नीचर मशीन में बन रहा है मान लो उसका कटिंग वगैरह हो रहा है तो वो मशीन को यूज करने के लिए मशीन को स्मूथली यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं ठीक है लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि जिस मशीन पे हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है थीके? जो भी हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं उसको मतलब कटिंग वगैरह करने के लिए तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह से हम लोग मशीन को स्मूथली रन करवा सकते हैं तो वो उस ऑयल को खरीदने का भी एक खर्चा है ठीक है और मान लो एक मेंटेनेंस स्टाफ रखा है वो लेबर का हो जाएगा हम लोग मेटेरियल पड़ रहे हैं ठीक है थीके? तो मान लो ऑयल वगैरह जो यूज कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये जो ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं उसका भी एक खर्चा है वुड वगैरह का भी खर्चा है लेकिन चेयर को देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते एक चेयर मान लो रेडी हो गया फिनिश गुड्स हम लोग उसको ये बता सकते हैं कितने का लकड़ी लगा है कितना सारा नेल्स लगा है एक एक नेल अगर मान लो कि दस रुपए का आता है और अगर दस नेल्स लगे हैं तो वो सौ रुपए का नेल्स लगाए ठीक है उसमें और उठ भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना रुपए का लगा है डायरेक्टली लेकिन ऑयल ऑयल जो है वो तो ऑयल हम लोग खरीद के लेके आते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन पे यूज करते हैं अब उसका खर्चा चेयर पे कितना आएगा ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते ठीक है तो ये हो गया हम लोग का इनडायरेक्ट ये मैंने बिजनेस बिजनेस रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट में में बताया ठीक है अब business respect में देखो लेबर का खर्चा भी दो तरह का हो जाएगा एक हो जाएगा डायरेक्ट और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट लेबर का खर्चा मतलब वो सारे लेबर जो चेयर टेबल ये सब बनाने में हेल्प कर रहे जिनको हम लोग बोल सकते हैं कार्पेंटर ठीक है ये हेल्प कर रहे जो ये हो गए कारपेंटर ये हमारे डायरेक्ट लेबर हो गए अब ये सारे कार्पेंटर सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं इनको देखने के लिए एक सुपरवाइजर रख सकते हैं ठीक है सुपरवाइजर तो ये भी हमारे लेबर है तो सुपरवाइजर इनडायरेक्ट लेबर है क्यों क्योंकि मान लो कारपेंटर बोला है हम एक चेयर बनाने का पांच सौ रुपए लेंगे एक टेबल बनाने का सात सौ रुपये लेंगे तो हमें पता है एक चेयर देख के हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर कारपेंटर को पांच सौ रुपए दिया है एक चेयर का ठीक है अगर दस चेयर बना है तो दस इंटू फाइव हंड्रेड इजिली बता सकते हैं बट सुपरवाइजर को तो पर चेयर पे, पे पेमेंट नहीं करते सुपरवाइजर को पूरे काम को सुपरवाइज करने के लिए मंथली एक पेमेंट करते हैं ठीक है उनको मंथली सैलरी मिलता है तो हम लोग ये नहीं बता सकते चेयर देख के कि इसमें सुपरवाइजर का खर्चा कितना है इजिली नहीं बता सकते लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी के

चुके हैं अच्छा अब देखो अदर एक्सपेंसेस पर लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस बिजनेस में इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या क्या हो सकता है ठीक है अदर uh, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या क्या हो सकता है देखो जैसे मान लो ये मेटेरियल को लाने का जो भी खर्चा हुआ ठीक है अदर एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है का का लाने का, मान लो खर्चा हुआ है कैरेज वगैरह ठीक है तो वो हमारा अदर एक्सपेंसेस हो सकता है ठीक है तो वो हम लोग मेटेरियल में जोड़ लेंगे ये हो जाएगा हमारा अदर एक्सपेंस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस भी हो सकता है जैसे मान लो हम लोगों ने मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह रखा है वो लेबर में चला जाएगा ठीक है तो इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है कि अदर एक्सपेंसेस में भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है जैसे कोई मशीन वगैरह खरीद के लेके आए ठीक है तो वो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा उसको खरीद के खरीदने का खर्चा नहीं खरीद के जो कैरेज वगैरह का खर्चा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा ठीक है अच्छा अब देखो जैसे और और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे मान लो कोई एक सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है वो अगर कोई कंपनी में किसी पोस्ट में काम कर रहा है ठीक है वो अगर जॉब कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट में जैसे एग्जीक्यूटिव वगैरह के पोस्ट में वो जास, अलग अलग बहुत सारा पोस्ट होता है रेस्पेक्टिव पोस्ट होता है ठीक है अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो कंपनी का क्या हो जाएगा वो कंपनी का हो जाएगा डायरेक्ट लेबर ठीक है डायरेक्ट लेबर हो जाएगा लेकिन अगर कोई सीए किसी कंपनी में जा रहा है एज ए ऑडिटर तो वो कभी वो उस कंपनी का डायरेक्ट लेबर नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा कंपनी का इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा ठीक है इनडायरेक्ट लेबर ये भी एक एग्जाम्पल देख सकते हो तुम लोग रियल लाइफ का इनडायरेक्ट लेबर क्यों क्योंकि ऑडिटर जो होता है ना वो कंपनी का इम्प्लॉय नहीं होता है ऑडिटर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑडिट कर दे जाता है फिर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जमा कर देता है ठीक है तो ऑडिटर जो है ऑडिट जब करने जाता है किसी कंपनी में तो वो कंपनी का परमानेंट इम्प्लॉय होता ही नहीं है ठीक है ऑडिट जब तुम लोग पढ़ोगे तो देखोगे की ऑडिटर कभी भी किसी कंपनी का इम्प्लॉय नहीं होता है ठीक है तो ये इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट हो गया जैसे मेरे काम में हम क्या हो गए डायरेक्ट लेबर क्योंकि अगर हम ही नहीं आएंगे जैसे कारपेंटर नहीं आएगा तो चेयर टेबल बनना बंद हो जाएगा अगर बाय चांस मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेर, मेरा तबियत खराब होता है या फिर हम किसी वजह से एबसेंट हो जाते हैं तो फिर क्लास ही बंद हो जाएगा क्योंकि हम मेरे क्लास के लिए क्या हो जाएंगे डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे ठीक है तो क्लास बंद हो जाएगा तो हम हो गए डायरेक्ट लेबर ठीक है इस तरह से डायरेक्ट लेबर का मतलब हम लोग समझ सकते हैं वैसे भी हम लोगों ने पहले ये सब किया है तो अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने दो तरीके से समझ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है आप देखो यहां पर ये चीज लिख लो ऐसे लिखो बिजनेस को रन करवाने के लिए हमें मेनली तीन चीज चाहिए क्या चाहिए मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस ठीक है और मेटेरियल भी दो तरीके का चाहिए जैसे देखो सिर्फ बुक से काम नहीं होगा फूड भी चाहिए ठीक है उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ वुड या नेल से काम नहीं होगा बाकी चीजों का सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है ठीक है तो ये मेटेरियल जो है वो हमें दो तरीके का चाहिए बिजनेस में डायरेक्ट भी चाहिए और इनडायरेक्ट भी चाहिए लेबर भी हमें दो तरीके का चाहिए ठीक है डायरेक्ट भी चाहिए इनडायरेक्ट भी चाहिए जैसे सुपरवाइजर का इंपॉर्टेंस है ठीक है अब देखो सुपरवाइजर वहां पर लगेगा जहां पर ज्यादा काम होगा अगर कंपनी मतलब बिजनेस अगर छोटा है तो हो सकता है सुपरवाइजर का नीड ना हो मेंटेनेंस स्टाफ का नीड हो सकता है कुछ और भी हो सकता है ठीक है तो ये देखो यहाँ पर हो गया डायरेक्ट ले, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर अच्छा अदर एक्सपेंसेज में भी आ जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक है ये हमें चाहिए और जितने भी इनडायरेक्ट है इसको कॉस्टिंग में क्या बोला जाता है जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं इसको कॉस्टिंग में बोला जाता है अदर एक्सपे सॉरी ओवर एट ओवर एट ठीक है इसी को ओवर हम लोग बोलते हैं अच्छा एक बार लिखवा देते हैं वैसे ऑलरेडी लिखाया हुआ है मेरा बेसिक में इफ कांट identified in one unit of production yāfir finished goods then called indirect over it. गुड इवनिंग अभिषेक गुड इवनिंग अभिषेक अच्छा देखो ंट आइडेंटिफाइड अगर हम लोग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चाहे वो किसी भी तरीके का खर्चा हो मेटेरियल का हो लेबर का हो या अदर एक्सपेंसेस हो उसे हम लोग ओवर एट बोलेंगे ठीक है अच्छा अब देखो ओवर एट खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा टू कंट्रोल ओवर एट कॉस्ट इज वेरी टीडियस जॉब ठीक है ियस टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है थोड़ा टफ है ठीक है इसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ है जैसे देखो कि जैसे मान लो कि सुपरवाइजर को हम लोगों ने इसीलिए रखा था क्योंकि हमारा काम काफी बढ़ रहा था ठीक है अब मान लो अचानक से मार्केट में प्रोडक्ट का हमारे प्रोडक्ट या फिर हम लोग जो फिनिश गुड्स बेच रहे थे उसका डिमांड कम हो गया अब हमें सुपरवाइजर का, का काम जो है उतना नहीं लग रहा है मतलब सुपरवाइजर को जो पेमेंट कर रहे थे वो काम बहुत ज्यादा था तो उस हिसाब से उनको हम लोगों ने काम दे दिया और हम लोगों ने उनका सैलरी फिक्स कर दिया लेकिन अगर काम कम चल रहा है सुपरवाइजर को उतना देखभाल नहीं करना पड़ रहा है तो क्या हम लोग सुपरवाइजर का सैलरी कम कर देंगे नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते सैलरी कम नहीं कर सकते ठीक है इसीलिए ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया अब मान लो मशीन नया है अच्छा चल रहा है उसमें उतना लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज नहीं हो रहा है मेंटेनेंस स्टाफ रख रखे हम लोग ठीक है जब भी मशीन में कोई छोटा मोटा खराबी होता है वो फटाफट जाके ठीक कर देता है ताकि कुछ रुकावट ना आए प्रोडक्शन में तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया लेकिन मान लो कुछ दिनों से मशीन में कुछ खराबी हुआ ही नहीं ठीक है ना तो हमें मशीन को लुब्रिकेटिंग ऑयल का जरूरत हुआ ना कुछ और ठीक है तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग वो मेंटेनेंस स्टाफ आपको पैसा देना बंद कर देंगे ऐसा तो नहीं कर सकते ना सुपरवाइजर को कम पैसा देंगे ऐसा भी नहीं कर सकते अप एंड डाउन तो होते ही रहता है तो ओवर खर्चा हमारा लगते जा रहा है लेकिन आ, रेलिवेंट नहीं हो रहा है कभी रेलिवेंट होता है कभी रेलिवेंट नहीं भी हो सकता है ठीक है तो रेलिवेंट है कि नहीं है वो तो डिपेंड करेगा ठीक है तो कंट्रोल करना ओवर कॉस्ट ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है ठीक है जैसे मान लो कि रिसेप्शनिस्ट वगैरह रहते हैं ना जैसे मान लो अगर मैंने कोई रिसेप्शनिस्ट रख लिया ठीक है मेरे काम की, कोई आएगा तो बात बात करने के लिए ठीक है अगर मैंने ऐसे रख लिया अब मान लो स्टूडेंट ज्यादा हो रहा था तो मुझे ठीक है लग रहा था कि हाँ ठीक है सैलरी दे पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मान लो अचानक से स्टूडेंट कम एडमिशन हो रहा है अप एंड डाउन तो चलते रहता है तो उसमें क्या हो जाएगा हम लोग ये नहीं तो ये तो नहीं बोल सकते इस मंथ में स्टूडेंट कम आया है तो आपको कम सैलरी देंगे उस महीने में ज्यादा आए तो ज्यादा वो तो एक फिक्स नेचर पे चलता रहता है ना तो कंट्रोल करना ओवर एड कॉस्ट को ये बहुत ही टफ काम होता है ठीक है हम लोग उतना इजीली इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट यहां पर देखो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवर कॉस्ट ओवर इट कॉस्ट ठीक है हमें ओवर एड कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा हम लोग ओवर हेड कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं या अपोर्सन कर सकते हैं अब इसका मतलब क्या होता है एलोकेट करना या फिर अपोर्सन करना देखो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ओवर एड कॉस्ट होता क्या है दो तरह के एग्जाम्पल से देखा ठीक है एक प्रैक्टिकल वाला एग्जाम्पल से देखा लाइफ के साथ जोड़ के एक हम लोगों ने बिजनेस के साथ जोड़ के देखा ठीक है अब देखो यहां पर बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट हम लोग वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो ओवर होगा वो हम लोगों ने समझ लिया दो दोनों एग्जाम्पल से समझ लिया ओवरहेट

ठीक है इस ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी ठीक है और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है यहां पर मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया ये ये फैक्ट्री है बेसिकली ठीक है फैक्ट्री में कर, दो डिपार्टमेंट है काम होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया मान लो यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड ठीक है फोर्टी थाउजेंड बिल आ गया अच्छा अब ये क्या यूज करते हैं ये मान लो यूज करते हैं फोर लाइट ठीक है फोर लाइट्स जलता है इनके यहाँ पर और इनके यहाँ पर जलता है मान लो टू लाइट्स ठीक है टू लाइट्स जलते हैं और यहाँ पर ये यह, यहाँ पर मान लो तीन फैन यूज होता है और यहाँ पर सपोज वन फैन यूज होता है ठीक है और एक ही मीटर लगा हुआ है कॉमन मीटर ठीक है जैसे सब मीटर भी होता है ना वैसा कुछ लगा हुआ नहीं है ठीक है कॉमन मीटर है जहां पर बिल दिख रहा है फोर्टी बिल आ रहा है ठीक है तो क्या हम लोग बिल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड क्या ये सही होगा क्या हम लोग बिल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे? इनका भी ट्वेंटी थाउजेंड इनका भी ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन बिल किस हिसाब से आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन के हिसाब से अब जो जितना ज्यादा लाइट फैन जो भी है वो सब यूज कैसे कर रहा है उसके ऊपर ही तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा अब इनका चार लाइट तीन फैन है डिपार्टमेंट के अंदर इनका दो लाइट एक फैन है तो क्या दोनों का बराबर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है सोचो क्या दोनों का बराबर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो ये जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया क्या ये सही है ये गलत है हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आधा आधा कैसे आधा आधा बोल दे यहाँ पर आधा आधा कैसे बोल दे ये चार लाइट दो लाइट तीन फैन एक फैन ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलर किसी बेसिस पे हमें इस खर्चे को आ, एलोकेट करना है सॉरी अपोर्शन करना पड़ेगा ठीक है एलोकेट नहीं एलोकेट का मतलब अलग होता है हम पहले अपोर्शन समझा रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा अपोर्शन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो ये चालीस हजार का कितना डिपार्टमेंट ए को डिस्ट्रीब्यूट करे कितना डिपार्टमेंट बी को डिस्ट्रीब्यूट करे तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं ये फोर लाइट यूज करे ये टू लाइट तो अप्रोप्रिएट बेसिस अभी अभी मैंने ये लैंग्वेज यूज किया था तो हम लोग बोल सकते हैं ये चार लाइट यूज करते ये दो लाइट तो फोर इन टू टू में इस फोर्टी थाउजेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये एक सोच सकते या फैन के हिसाब से भी कर सकते ये तीन फैन यूज करते ये एक फैन यूज करते हैं तो थ्री वन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ठीक है, है।, लो लो है, है तो डिपार्टमेंट ए तो का कितना आ जाएगा ये हो गया टू इंस टू वन ये शायद हमारा पॉइंट में आ जाएगा जो भी हो पॉइंट में आएगा आई थिंक कितना हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स हो जाएगा इसको एक काम करते हैं ये थ्री आ, इस फैन वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा हमारा नहीं आएगा कितना मैंने फैन का यूज के से कर दिया. अब कैसे हमें यूज क्या करना है फैन करना है लाइट करना क्या वो हम बताएंगे कैसे करना है ठीक है तो ये जस्ट हम समझाना चाह रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये जो मैंने यहाँ थर्टी और टेन थाउजेंड लिखा है इस बेसिस पे मैंने इस रेशियो में मैंने फोर्टी को

फैन चलते हैं यहाँ भी टू लाइट्स और वन फैन ठीक है यही वाला है लेकिन यहाँ लगा हुआ है सब मीटर ठीक है मीटर लगा हुआ है अलग अलग इंडिविजुअली मीटर लगा हुआ है जहां पर रीडिंग देखते हैं या फिर इस हिसाब से बिल आता है दो बिल आता है डिपार्टमेंट ए का एक बिल आता है डिपार्टमेंट बी का बिल आता है मान लो डिपार्टमेंट ए का बिल आया है थर्टी थाउजेंड ठीक है और डिपार्टमेंट बी का आया है टेन थाउजेंड ठीक है अगर इंडिविजुअली बिल आ रहा है तो हमारे लिए ज्यादा हेडेक नहीं है हम लोग बोल ही सकते हैं डिपार्टमेंट ए में कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ थर्टी थाउजेंड डिपार्टमेंट बी में कितना हुआ टेन थाउजेंड ठीक है जैसे आफ, इसमें क्या होता है फ्लैट सिस्टम में क्या होता है हर एक फ्लैट का अलग अलग मीटर होता है ठीक है उस मीटर के हिसाब से सब अपने के हिसाब से पे कर, पे कर कर सकते हैं ठीक है लेकिन मान लो अगर फ्लैट नहीं होके, जो मतलब एक जगह पे मान लो फ्लैट में अगर अलग अलग मीटर नहीं बैठता सभी का और एक ही जगह पे आता तो फिर ये तो झगड़ा हो जाता ना किसने कितना यूज किया किसने कम यूज किया वो तो हम लोग नहीं बता सकते थे ना उसी तरह से तो फिर कोई प्रॉपर बेसिस पे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया अगर हमें पता है अलग अलग आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर मीटर रीडिंग देख के अगर हम लोग पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसा भी प्रोसेस हो तो हमें अगर पता चल जा रहा है डायरेक्टली हम लोग किसी बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एलोकेशन करना ठीक है एलोकेशन का मतलब जितना है तुम्हारा तुम्हारे पे हम लोगों ने दे दिया ठीक है मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एलोकेशन ये भी डिस्ट्रीब्यूट है ये भी डिस्ट्रीब्यूट बट इसको कैसे किया हम लोगों ने किसी एक बेसिस को ढूंढ के अप्रोप्रिएट बेसिस ढूंढ के किया लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया जैसे आया उसी तरह से ही कर दिया ठीक है जैसे मान लो कि दो बच्चे हैं ठीक है दो बच्चे खड़े हैं मैंने तुम लोग को पांच चॉकलेट देकर बोला एक को तीन दो एक को दो दो ठीक है तो मैंने आइडेंटिटी फाई करके बता दिया कि इस बच्चे को तीन चॉकलेट दे दो इस बच्चे को दो चॉकलेट दे दो तो इसको हम लोग बोलेंगे एलोकेशन करना मैंने बता ही दिया किसको तीन देना है किसको दो देना है लेकिन अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो तुम लोग को ही सोचना पड़ेगा की पांच चॉकलेट किस तरह से दो बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करे मतलब क्या करे दोनों को दो दो दे दे एक खुद के पास रख ले या फिर एक का आधा आधा बांट दे क्या करे या फिर कोई छोटा है तो उसे कम दे दे कोई बड़ा है तो उसे ज्यादा दे दे फिर कुछ ना कुछ तुम लोग को सोचना पड़ेगा लेकिन अगर हम बता देते हैं कैसे देना है तो तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो तो अगर हमारे पास आ जाता है

जब मैंने किसी स्टूडेंट को एडमिशन लिया ठीक है तो वहां पर मेरा क्या क्या खर्चा होगा स्टूडेंट के पीछे मेरा क्या क्या खर्चा हो जाएगा तो ये जो मैंने फीस डिसाइड किया है इसमें मेरा क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें मेरा कॉस्ट भी इंक्लूडेड है इसमें मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है ऑब्वियसली क्योंकि ये तो सेल प्राइस होता है ना किसी का भी ठीक है मेरा क्यों किसी टीचर का भी हो सकता है कोई भी जैसे तुम लोग कोई स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हो तो उसी तरह से ही होता है ना या फिर डॉक्टर का देख लो सभी का ठीक है तो प्रोडक्ट देखो या सर्विस देखो तो हर एक इंसान अपना सेल वैल्यू कैसे डिसाइड करता है कॉस्ट

लेबर का खर्चा लेबर का खर्चा मेरा आएगा जो कि हम मेहनत कर रहे हैं ठीक है थीके? उसका खर्चा तो वो भी हम तुम लोगों का इसमें चार्ज कर चुके हैं मान लो अगर इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें भी हो सकता है मैंने एक स्टडी मेट दिया है या फिर देने का सोचा है तो उसका खर्चा भी इसमें जोड़ लिया है मेरा खुद का खर्चा मेहनत का खर्चा वो भी मैंने जोड़ लिया ठीक है लेबर का मतलब यहाँ पर मेरा ठीक है मेरा खुद का खर्चा ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं टीचर का खर्चा ठीक है क्योंकि टीचर यहाँ पर डायरेक्ट लेबर हो गया और अदर अदर एक्सपेंसेस ठीक है अब ये देखो ये स्टडी मटेरियल का खर्चा कौन सा है ये स्टडी मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल है ठीक है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल क्यों है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि एक एक स्टूडेंट से हम मटेरियल का जो अकाउंट्स का बुक्स दिए हैं उसका खर्चा मैंने थ्री हंड्रेड करके इसमें जोड़ा हुआ है ठीक है या फिर हम इंडिविजुअली बता भी देते हैं कि इसमें थ्री हंड्रेड का खर्चा मैंने मैट देने का जोड़ा है तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा ठीक है मेरा खर्चा कितना है वो भी मैंने बता दिया तो ये मेरा डायरेक्ट लेबर हो गया ठीक है थीके? अच्छा और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकता है अदर और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है अदर एक्सपेंसेस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ठीक है अभी जै, जैसे देखो अभी तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो ठीक है अगर मान लो जब ऑफलाइन होता है प्योरली ऑफलाइन अगर होगा तो वहां पर क्या क्या खर्चा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो जाएगा पानी का खर्चा हो जाएगा ठीक है मुझे पानी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर मान लो सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह हो जाएगा कुछ भी संड्री एक्सपेंसेस वगैरह और उसके साथ साथ रेंट ठीक है रेंट रेंट का खर्चा हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस ये सब हो सकता है the ticket. अब जैसे रेंट तो फिक्स है मुझे पता है कि मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा लेकिन मुझे एक चीज बताओ ये सब खर्चे में ये मुझे पता है कि मेट एक एक मैट बनाने का खर्चा कितना होता है है ठीक लेकिन मुझे एक 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 चीज बताओ बैच बैच में में मान लो स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल एक बैच में टेन स्टूडेंट है. है और इस बैच को हम सिक्स मंथ्स में कंप्लीट करते हैं ठीक? क्योंकि सिक्स सिक्स मंथ्स का ही तुम लोग का एग्जाम होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एक स्टूडेंट के पीछे कितना आएगा पानी का खर्चा कितना आएगा या फिर अदर एक्सपेंसिज कितना आएगा क्या ये मुझे पहले ही

बाद में पता चलेगा लेकिन हम तो पहले ही पैसा ले रहे हैं ना एडमिशन हो रहा है तभी तो तुम लोग मुझे पेमेंट करोगे तभी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे लेकिन ये सब खर्चा भी तो मुझे जोड़ना पड़ेगा लेकिन इसका मतलब हम जोड़ के ही बता रहे हैं बट मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि कितना होगा नहीं पता है तो मैंने कैसे जोड़ा होगा एक अंदाजे से अंदाजा मतलब एस्टिमेटेड ठीक है थीके? तो इसका मतलब मैंने एस्टिमेट कर किया होगा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस से ठीक है पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने एस्टिमेट करके जोड़ दिया है ठीक है ये हो गया मैंने नॉर्मल समझा है ठीक है इसके अलावा देखो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है मार्केट में जैसे मान लो कोई कंपनी क्या बना रही है मान लो कोई कंपनी मोबाइल uh, बना रही है ठीक है मोबाइल बना रही है तो वो मोबाइल का दाम मान लो एक मोबाइल का मोबाइल का दाम कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है क्या कंपनी एक नॉर्मल प्राइस लिया है मैंने ठीक है है अगर मान लो एक मोबाइल का दाम है, तो कस्टमर को टेन थाउजेंड पे करना पड़ेगा अभी टेन थाउजेंड में कंपनी का क्या क्या इंक्लूडेड है कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है ठीक है अब ये कॉस्ट में क्या कंपनी जोड़ती है कॉस्ट में कंपनी अपना टोटल कॉस्ट जोड़ती है टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा डायरेक्ट मेटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है फैक्ट्री का खर्चा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलने पे जितना खर्चा होता है वो सारा खर्चा तो कस्टमर से ही ही निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट बेच के तो तो निकालोगे तो इसका मतलब हम लोगों ने मतलब ने मतलब कंपनी जो अपना मोबाइल का प्राइस रखा है तो ये उसने एस्टिमेटेड बेसिस पे रखा है बताओ क्यों क्योंकि टोटल कॉस्ट में ऐसे बहुत सारे कॉस्ट है जिसका अभी तक हमें पता ही नहीं कि कितना खर्चा होगा जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने एक नया मोबाइल बनाया है ठीक है अब इसका

लेकिन हमें नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट करवाने का कितना खर्चा होगा ये हमें नहीं पता एक्टली ठीक है तो टोटल तो कॉस्ट में तो एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा आता है ठीक है तो अगर हमें ये पता ही नहीं है कि टोटल कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो इंक्लूडेड जिसको हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बोलते हैं ठीक है अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना आएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा ठीक है तो ये हमें नहीं पता है कितना होगा तो इस तरह के खर्चे हम लोग जो पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एस्टिमेट करके करते ये सारे खर्चे जो होते हैं ना ओवर होते हैं अदर एक्सपेंसिज होते हैं लेकिन मोबाइल एक एक लेबर एक मोबाइल बनाने का कितना ले रहा है हम लोग बोल सकते हैं एक मोबाइल बनाने का मेटीरियल का खर्चा कितना ये तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे है ना वो हम लोग प्रोडक्शन के साथ साथ ही बता सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्शन होने के बाद हमें पता चलता है प्रोडक्शन होने के बाद भी नहीं पता चलता है सेल करने के बाद पता चलता है ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसीलिए हमें ओवर का खर्चा जो है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे देना पड़ता है जितना भी ओवर का खर्चा है वो हम लोग एस्टिमेट करके देखते हैं ठीक है

क्ट बेसिस पे नहीं हो सकता है ठीक है पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए बोला जाता है अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर overrate का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हो सकता है जैसे हम लोगों ने कॉस्ट का देखा था तो ओवर का देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर ठीक है तो ओवर का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है पहले हो जाएगा बाई फंक्शन दूसरा बाई नेचर बाई एलिमेंट बाई कंट्रोल अच्छा बाई फंक्शन ठीक है फंक्शन यानी एक्टिविटी एक्टिविटी के हिसाब से कितने तरह का ओवरइड हो सकता है तो देखो डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब ऐड करके प्राइम कॉस्ट होता है ठीक है ये जिन लोगों ने कॉस्टशीट का भी किया हुआ है उन लोगों को तो समझ में आ रहा है जिन लोगों ने नहीं किया हम लोगों ने लेबर में ऐसा चीज किया है ठीक है लेबर का कुछ क्वेश्चन ऐसा था जहां पर हमें प्राइम कॉस्ट सीखा था ठीक है तो डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब लेके आने के बाद प्रैक्टिकली सोचो हम लोगों ने ए, चेयर बनाने के लिए वुड खरीद लिया ठीक है एक कार्पेंटर भी लेके आ गए अदर एक्सपेंसेस भी जोड़ लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ठीक है तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट अब क्या होगा उनको एक स्पेस देना पड़ेगा फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा तब तो जाके वो काम करेंगे तो पहला खर्चा फंक्शन बेसिस पे एक्टिविटी बेसिस पे आता है फैक्ट्री ओवर का ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन में पहला खर्चा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसका और एक नाम भी होता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरेट ठीक है अच्छा अब फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग uh, या प्रोडक्शन ओवर में क्या क्या आता है देखो किस तरीके का खर्चा आ सकता है पहला मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखा है तो फैक्ट्री में ऑब्वियसली प्लांट मशीनरी रहेगा तो प्लांट मशीनरी को मेंटेन करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ सकता है अब खर्चा अलग अलग तरीके का हो सकता है मेटेरियल के हिसाब से भी खर्चा हो सकता है लेबर के हिसाब से भी खर्चा हम लोगों ने मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ भी रखा है ठीक है हम लोगों ने मशीन और प्लांट को मेंटेन करने के लिए स्टाफ रखा हुआ है मशीन और प्लांट अच्छे से चले इसके वजह से हम लोगों ने लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह का यूज किया है तो अगर ऑयल वगैरह यूज करे वो हम लोग का मेटेरियल हो गया सब्सटेंस हो गया ठीक है अगर हम लोग लेबर वगैरह को रख रहे हैं अलग से स्टाफ वगैरह को रख रहे हैं तो हम लोग का लेबर का खर्चा हो गया ठीक है तो फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चे में देखो क्या क्या आ सकता है तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा इंश्योरेंस इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ठीक है जो प्लांट एंड मशीनरी पे मोबाइल uh, बन रहा है या फिर चेयर बन रहा है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्लांट एंड मशीनरी का हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है ये हो सकता है ठीक है तो उस इंश्योरेंस का खर्चा वो भी हमारा क्या हो जाएगा फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरइट हो जाएगा अब देखो ये सब ओवरइट क्यों है क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते जो एक मोबाइल बन के आया ठीक है एक मोबाइल सोचो एक मोबाइल जो हमारा प्रोडक्शन होके आया उस पर इंश्योरेंस का खर्चा कितना आ रहा है ये हम लोग नहीं बोल सकते सकते हैं उस पे मेंटेनेंस का खर्चा कितना आ रहा है ये भी हम लोग नहीं बोल सकते डायरेक्टली नहीं बोल सकते कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो तो देखेंगे डायरेक्टली नहीं बोल सकते इसीलिए ये सब क्या है ओवरहेड है इनडायरेक्ट खर्चा है अच्छा और क्या एग्जांपल हो सकता है देखो अच्छा और क्या एग्जांपल हो सकता है देखो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ठीक है प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिशिएशन लगता है तो वो डेप्रिशिएशन मान लो एक खर्चा हम लोग कैलकुलेट जरूर कर रहे हैं मान लो हम लोग का डेप्रिशिएशन हो रहा है ईयरली टेन थाउजेंड अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे तो टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड जो भी है क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एक मोबाइल पे उस का खर्चा कितना आएगा नहीं डायरेक्टली नहीं बोल सकते ठीक है इसीलिए तो ओवरहेड है अच्छा और क्या हो सकता है फैक्ट्री सुपरवाइजर ठीक है तो मान लो फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर रखा है जो कि अच्छे से काम को मेंटेन कर सके तो सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते एक मान लो सुपरवाइजर का सैलरी है फिफ्टीन थाउजेंड तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि एक मोबाइल जो बन के आया ठीक है प्रोडक्शन होके आया उसमें सुपरवाइजर का सैलरी का कितना पोर्शन चार्ज करे इजीली नहीं बता सकते हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए ये सब ओवरहेड हो गया अच्छा ये हो गया मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होके आ जाता है उसके बाद प्रोडक्ट को कहा भेजा जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में ठीक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, है 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 क्या क्या होता होता जो है, वो उसका आ, उसका खर्चा इसके बाद इसीलिए जोड़ा जाता है. Office and administration staff का, का काम क्या होता है? पूरे का, मतलब administration का मतलब का क्या है control करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना ठीक है तो उन, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो संभालते हैं ठीक है थीके? तो उनका भी जो खर्चा होता है वो देखो क्या क्या हो सकता है उनका खर्चा इनका काम क्या है पहले ये लिख देते हैं देखो इनका काम है टू मॉनिटर डिफरेंट एरिया लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी संभालते हैं ठीक है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा और क्या हो सकते हैं वो मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं तो इनका काम होता है सारे चीजों को कंट्रोल करना अच्छे तरीके से मॉनिटर करना ठीक है अब इनको हम लोगों ने ये जो स्टाफ है इनका जो खर्चा होता है वो क्या क्या हो सकता है देखो एग्जाम्पल से बता रहे क्या क्या खर्चा हो सकता है तो पहला देखो सैलरी पे टू स्टाफ ठीक है यहाँ पर जितने भी स्टाफ है चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट का हो चाहे कुछ और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो उनको जो सैलरी दे रहा है वो हम लोग का ओवरहेड है क्योंकि देखो जैसे मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं उनको हम लोग एक फिक्स सैलरी देते हैं सपोज थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड जो भी देते हैं हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक चेयर पे एक मोबाइल पे या फिर प्रोडक्शन हुए किसी चीज पे उसका खर्चा कितना डायरेक्टली आ रहा है एक यूनिट पे वो हम लोग नहीं बता सकते ठीक है तो सैलरी हो गया अच्छा नेक्स्ट क्या हो सकता है डेप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ठीक है ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन ऑफिस बिल्डिंग जहां पर ऑफिस है उसका भी डेप्रिशिएशन हो रहा है तो वो का खर्चा कैसे चार्ज करे? एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में इतना इजी नहीं है ठीक है फिर डेप्रीशियशन मान लो ऑफिस ऑफिस में जो फर्नीचर वगैरह है ठीक है चेयर टेबल एसी वगैरह उसका भी डेप्रिशिएशन होता है वो भी हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते अच्छा और ऑफिस में क्या यूज होता है पोस्टेज स्टेशनरी ठीक है ये सब जो खर्चा हो रहा है जो भी मान लो यूज करके वो लोग लिख विख रहे हैं ठीक है थीके? पेन कॉपी जो भी यूज हो रहा है तो पर प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट पे कितना वो खर्चा आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते इजीली ठीक है तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट हो गया तो फंक्शन के हिसाब से पहला दो हो गया और लास्ट वाला जो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट ठीक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड ठीक है तो एक प्रोडक्ट तो सिर्फ बनाने से नहीं होगा उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके सेल भी करना पड़ेगा तो उसका क्या क्या खर्चा होता है देखो एक होता है सेल्स मैन अगर रख रहे हैं तो उनको कमीशन वगैरह देना पड़ सकता है तो सेल्स मैन कमीशन आप सेल्स मैन को जो कमीशन का खर्चा दे रहे हैं हम लोग ठीक है कमीशन के लिए जो भी पे कर रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट पे एप्प्लीकेबल नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया मान लो इस मोबाइल को लॉन्च करने का एडवर्टाइजमेंट उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने का खर्चा हो गया मान लो इस तरह के मोबाइल का थर्टी थाउजेंड तो अभी ये थर्टी थाउजेंड डायरेक्टली थोड़ी ना एक मोबाइल पे चार्ज करेंगे कैसे करेंगे वो सोचना पड़ेगा ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है डिलीवरी वैन का खर्चा डिलीवरी वैन एक्सपेंस ठीक है अगर हम लोग कोई डिलीवरी वैन यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उसका खर्चा ठीक है अच्छा तो ये तीन तरीके का हम लोगों ने देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ओवर इट को कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ओवरइट के एक्टिविटी के हिसाब से तो ओवरइट क्या क्या होता है फैक्ट्री का खर्चा सारा ओवरहेड होता है क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा ऐसा होता है फैक्ट्री में जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं एलोकेट या अपोर्शन करके करना पड़ेगा ठीक है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं दे सकते हैं उसे भी हमें एलोकेट या अपोर्शन करके ही करना पड़ेगा तो फंक्शन में ये आ गया और जो लास्ट फंक्शन है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो भी खर्चा हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट पे नहीं दे सकते हैं उसे भी हमें किसी ना किसी तरीके से देना पड़ेगा चाहे एलोकेट करके चाहे अपोर्शन करके ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाई नेचर बाय नेचर जो है कितने तरीके का होता है देखो बाई नेचर ओवर कितने तरीके का होता है नेचर के हिसाब से ओवर को मेनली तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है एक होता है फिक्स्ड ओवर एक होता है वेरिएबल ओवर और दूसरा होता है सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल ओवर इट ठीक है अच्छा, fixed का मतलब वो वो खर्चा हो हो जाता है, वो सारे indirect खर्चे हो जाते हैं, जो कि प्रोडक्शन के quantity के ऊपर नहीं करते, जैसे मान मान लो लो ठीक है? अगर फैक्ट्री का कैपेसिटी का है टेन थाउजेंड यूनिट ठीक है अब वो टेन थाउजेंड यूनिट बनाए तो भी उसका रेंट जो है वो अगर एट बनाए तो भी उसका रेंट वो है ठीक है तो अगर हमारा प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहा है तो उससे हमारा रेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऐसा खर्चा ऐसा ओवर का खर्चा अब रेंट को ओवर क्यों बोला क्योंकि रेंट का खर्चा हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट पे अपोर्शन नहीं कर सकते हैं तो रेंट एक ओवर एट खर्चा हो गया अब ये फिक्स्ड क्यों है क्योंकि आउटपुट के ऊपर या फिर फिनिश गुड्स कितने क्वांटिटी में हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है तो नॉट वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट जैसे और एक चीज भी देख सकते हैं जैसे मैंने बोला सुपरवाइजर सुपरवाइजर को हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे तो आपको सैलरी ज्यादा दे, दे देंगे कम कम होगा तो कम दे देंगे वो कभी काम नहीं करेगा क्योंकि उनका सैलरी फिक्स्ड होना चाहिए ठीक है नॉर्मली सुपरवाइजर वगैरह या फिर जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना उनका सैलरी फिक्स होता है तो क्या उनका कभी सैलरी इंक्रीज नहीं होता है होता है ना वो तो एज पर एग्रीमेंट होता है ठीक है एज पर एग्रीमेंट तो रेंट भी बढ़ता है ऐसा थोड़ी ना कि रेंट फिक्सड हो गया तो फिक्स हो गया ऐसा नहीं बोल रहे हैं रेंट तो बढ़ सकता है जैसे कि तीन साल में एक साल में कुछ एक पर्सन

प्रोडक्शन के क्वांटिटी के साथ ठीक है उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड तो क्या एग्जांपल हो सकता है सैलरी पे टू परमानेंट स्टाफ या फिर रेंट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग ठीक है फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रेंट है बिल्डिंग का रेंट उतना ही रहेगा चाहे हम लोग जितना भी प्रोडक्शन कम या ज्यादा करें वो तो हमारे डिमांड के ऊपर है कस्टमर के डिमांड के ऊपर नाउ वेरिएबल ओवर वेरिएबल ओवर का मतलब प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से ये खर्चा हमारा कम या ज्यादा हो सकता है जैसे की इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पन ठीक है या फिर मान लो मशीन को चलाने के लिए जो फ्यूअल वगैरह लगता है या फिर पावर का यूज वही इलेक्ट्रिसिटी हो गया ठीक है तो ये सब जो है ये तो डिपेंड करेगा अगर ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा टाइम मशीन चलेगा ज्यादा फ्यूल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो खर्चा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल ओवर इट. तो ओवर इट विच विल चेंज विथ द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट ठीक है आउटपुट कम या ज्यादा होने से अगर हमारा खर्चा चेंज हो जाता है ओवरहेड का तो हम लोग इसको बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड जैसे कि मान लो फ्यूअल कॉस्ट ठीक है फ्यूअल कॉस्ट था जैसे मान लो एट द रेट ऑफ फाइव करके तो पहले हम लोग बनाते थे थाउजेंड यूनिट थाउजेंड यूनिट बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा फाइव रुपीज करके रूपीज uh, फाइव यूनिट तो थाउजेंड यूनिट का कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है और अगर हम लोग मान लो, लो आ, अभी बना रहे हैं टू थाउजेंड यूनिट ठीक है तो कितना हो जाएगा टू थाउजेंड यूनिट इंटू फाइव करेंगे तो टेन थाउजेंड यूनिट हो जाएगा और इसी तरह से अगर कम करेंगे फाइव हंड्रेड यूनिट करेंगे तो ये हो जाएगा पच्चीस सौ ठीक है तो हमारा खर्चा कम या ज्यादा हो जा रहा है हम लोग यूनिट जैसे ही कम ज्यादा कर रहे हो जा रहा है लेकिन ये रेंट या सैलरी थाउजेंड यूनिट बनाओ तो भी सैलरी जो दे रहे हो परमानेंट आपको टू थाउजेंड यूनिट बनाने से भी उतना ही देना पड़ेगा फाइव थाउजेंड यूनिट बनाने से भी उतना ही देना पड़ेगा ठीक है ये फाइव हंड्रेड लिखना चाह रहे थे फाइव हंड्रेड यूनिट बनाने से भी उतना ही देना पड़ेगा रेंट भी वैसे ही होगा कितना भी यूनिट बनाओ रेंट हमें उतना ही देना पड़ेगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेमी 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 फिक्स्ड फिक्स्ड और वेरिएबल ओवर इट तो या वेरिएबल से पता चल रहा है कि यहाँ पर दो एलिमेंट इंक्लूडेड है है ठीक सेमी मतलब हाफ होता है आधा ठीक है तो इसमें फिक्स्ड नेचर का भी खर्चा इंक्लूडेड है और वेरिएबल नेचर का भी खर्चा इंक्लूडेड है ठीक है तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है जैसे मान लो तुम लोग अगर बस ऑटो ये सब आ, बस ऑटो में चढ़ते हो तो वहां पर देख सकते हो कि ऑटो में चढ़ने से एक फिक्स खर्चा होता है ठीक है अब हर एक ऑटो का एक डेस्टिनेशन होता है जैसे मान लो कि केश्टोपुर से उल्टा डांगा ठीक है तो यहाँ तक एक ऑटो हो सकता है ठीक है मान लो केश्टोपुर से उल्टा डांगा जो है लेकिन केश्टोपुर के बाद का स्टॉपेज मान लो दोम पार्क तुम लोग उतर रहे हो तो वहां पर तुम लोग का जो खर्चा होगा ना जैसे मान लो एक स्टॉपेज बाद उतरोगे मान लो मुझे याद नहीं है कितना है जैसे मान लो अगर दामनोम पार्क उतरते हो तो दस रुपए लगेगा अगर बांगुर भी उतरते हो दस रुपए लगेगा उसके आगे जाओगे तो मान लो बारह रुपये लगेगा ऐसे करके तो एक सर्टेन रेंज तक फिक्स रहता है जैसे बस का खर्चा बस में चढ़ने से मिनिमम एक फेयर देना ही पड़ेगा चाहे एक स्टॉपेज बाद उतरोगे तो, तो, होता होता तो कुछ ना कुछ हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा ऐसा थोड़ी ना है कि एक स्टॉपेज बाद उतर जाएंगे तो हम लोग अपने मन से दो पांच रुपए कुछ भी दे देंगे ऐसा नहीं होता है बस में चढ़े हो तो फिक्स एक खर्चा देना ही पड़ेगा आप कितने दूर जा रहे हो उस हिसाब से बस का जो फेयर है हर एक स्टेट में हर एक जगह पे जैसे होता है उस हिसाब से हमें पे करना पड़ता है ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड आधा फिक्स्ड और आधा वेरिएबल खर्चा ठीक है जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी होता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं जैसे मान लो थाउजेंड यूनिट हम लोग अगर बनाते हैं ठीक है 1000 यूनिट बनाते हैं तो कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन फॉर Six hours electricity is ठीक है हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग थाउजेंड यूनिट फिनिश बनाते हैं तो होता होता है, है. है, है, लो लो यूनिट है, प्रोडक्शन किया है ठीक है और इसके लिए हमारा टाइम लगा है नाइन आवर ठीक है फाइव थाउजेंड यूनिट बनाए इसके लिए हमारा टाइम लगा है नाइन आवर और बिल जो है वो है नाइन ठीक है बिल जो है वो नाइन अब इसमें कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है ये बताओ टाइम में भी बता सकते हो कितना एक हजार छह घंटा लेकिन किसी दिन अगर पांच हजार यूनिट बनाए तो वो हमारा एक्स्ट्रा टास्क हो गया ठीक है तो जस्ट एक एग्जांपल से समझा रहे है, तो नौ घंटा हम लोग नॉर्मली छे घंटा काम करते तीन घंटा हम लोगों ने ज्यादा किया तो ये फिक्स हो गया ये वेरिएबल हो गया ठीक है ये रोज नहीं करते हैं और वैसे हमारा क्या आता है छह हजार रुपए का बिल तो आता ही आता है तो तीन हजार का हम बिल हमारा हजार ही तो कर सकते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब यही होता है कि जहां पर कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है और बाकी पोर्शन जो है हमारे यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके चेंज हो जाता है ठीक है मतलब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बेसिकली ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा अब ये देखो एलिमेंट के हिसाब से क्या क्या होता है इसको और अलग से नहीं लिखाएंगे यहाँ पर ही लिख देते हैं एलिमेंट के हिसाब से ओवर कितने तरीके का होता है एलिमेंट का मतलब ही होता है मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस ठीक है तो एलिमेंट के हिसाब से क्या होगा इनडायरेक्ट मेटेरियल यहाँ पर मेटेरियल मेटेरियल का मतलब कौन सा मेटेरियल डायरेक्ट तो नहीं ओवर है तो इनडायरेक्ट मेटीरियल ठीक है इनडायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस ठीक है ये एलिमेंट के हिसाब से बाइफर्केशन हो गया अच्छा उसके बाद कंट्रोल के हिसाब से कंट्रोल के हिसाब से दो तरह का होता है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल देखो बाई कंट्रोल पीछे कीजिए हाँ ये वाला ये सुन। ये सुन। ये सुन हो गया Hmm. तो देखो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल बल मतलब क्या जिस चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा का खर्चा जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे कंट्रोलेबल ठीक है और जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोलेबल तो यहां पर लिखते हैं कि कैन बी कंट्रोल्ड बाई एप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी ठीक है प्रॉपर पॉलिसी यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मान लो कि कोई लेबर ज्यादा मेटेरियल वेस्टेज कर रहा है लेकिन इतना मेटेरियल वेस्ट होने का बात नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते सुपरवाइजर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि लेबर जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मान लो इतने ज्यादा लेबर हो गए हैं की हम लोग खुद जस्ट अकेले हमारे लिए कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है तो हमें प्रॉपर जो है स्टेप्स लेना पड़ेगा प्रॉपर पॉलिसी लेना पड़ेगा या फिर मान लो लेबर जो है वो ज्यादा आइडल टाइम बिता रहे है तो उसका भी हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा या फिर वो अटेंडेंस तो दिख रहा है पूरा पूरा है लेकिन टास्क उतना नहीं हो रहा है ठीक है इसका मतलब वो जरूर अटेंडेंस में कुछ घोटाला कर रहे हैं कि वो टाइम पे नहीं आ रहे है, फिर भी वो अपना अटेंडेंस दे दे रहे हैं ठीक है थीके? तो पेमेंट तो उन्हें पूरा मिल रहा है बट कंपनी को काम पूरा नहीं मिल रहा है अगर ऐसा होता है ठीक है तो इस तरीके के ओवर खर्चे को हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रॉपर पॉलिसी अप्लाई करना पड़ेगा जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते याद रहेगा जैसे मान लो फैक्ट्री जो है फैक्ट्री में क्या रन होता है मशीन रन होता है ठीक है अब मान लो हर एक मशीन रन होना स्टार्ट करता है दस बजे ठीक है एक फैक्ट्री में मशीन रन होना स्टार्ट होता है ठीक है, चलता जाता है एक बजे तक मशीन चल रहा है एक बजे के बाद क्या होता है लेबर लोग चले जाते हैं जो है अपना लंच करने ठीक है लंच करने चले जाते हैं और वो फिर रिटर्न जब आते हैं तो दो बजे आते हैं ठीक है इसके बाद हो गया लंच टाइम ठीक है और वो दो बजे रिटर्न आते हैं लेकिन वो क्या करते हैं इन द मीन टाइम वो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी मान लो बंद कर सकते थे मतलब ऑफ रख सकते थे वो ऑफ नहीं करके ऐसे ही चले जाते हैं जैसे तुम लोग भी कभी कभी हो सकता है कर सकते हो कि जहां रूम में बैठे हो वहां पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है बंद करके नहीं गए ठीक है तो ये क्या हो गया वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली ठीक है अब ये चीज क्या हो रहा है प्रॉब्लम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये लॉस है फालतू का उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है ठीक है तो ये सिर्फ चीज कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते एक सुपरवाइजर को अपॉइंट कर सकते हैं या फिर मान लो फैक्ट्री में जो मेटेरियल आ रहा है ठीक है मेटेरियल का मेंटेनेंस maintenance... ठीक से नहीं हो रहा है मेटेरियल लॉस हो जा रहा है ठीक है मेटेरियल वेस्टेज कर रहे हैं लेबर ठीक है labor, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, से करना पड़ेगा तो लगा के हम लिख सकते हो मैंने जस्ट एग्जाम्पल बता दिया तो कंट्रोलेबल का मतलब ये होता है ऐसा खर्चा जो हम लोग चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग पॉलिसीज अप्लाई करके लेकिन ऐसा भी खर्चा होता है हम लोग चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कांट भी कंट्रोल्ड बाई एप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी ठीक है हम लोग चाहे तो भी प्रॉपर पॉलिसी अप्लाई करके नहीं कर सकते कॉन्ट बी कंट्रोल बाय एप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी या फिर प्रॉपर पॉलिसी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई पॉलिसी अप्लाई करके भी हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते कि इसका मतलब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं ठीक है हमारे कंट्रोल में नहीं है ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है जैसे मान लो प्लांट मशीनरी का डेप्रिशिएशन अब मान लो वर्कर दस बजे आके मशीन चला रहे एक बजे टिफिन करने जा रहे हैं उसके बाद वो मशीन बंद करे चालू करे सोचो एक बार सोच के देखो उससे तो डेप्रिशिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है अगर वो फालतू का ही मशीन रन करवा के चले गए एक घंटे के लिए तो हम लोग उनको बोल सकते ठीक

वा जैसे मान लो टैक्सेस टैक्सेस एंड रेट्स ठीक है ये कौन डिसाइड करता है कि कितना टैक्स देना है कितना आ, रेट्स देना है मतलब क्या रेट्स रहेगा कोई भी चीज हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उस पर अलग अलग क्या होता है टैक्स रेट वगैरह होता है ना जीएसटी वगैरह होता है तो ये कौन डिसाइड करता है ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस उसपे हमें कितना टैक्स जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उस हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा तो ये सब जो है हमारे हाथों में नहीं है तो इस तरीके का खर्चा जो हम लोग खुद से कंट्रोल कंट्रोल कभी नहीं कर सकते इसको हम लोग बोलते हैं इन अनकंट्रोलेबल ओवरहेड ठीक है अनकंट्रोलेबल uh, ओवरहेड है? बोलते हैं अच्छा और कौन सा नेचर बाकी रह गया चलो देख लेते हैं यहाँ पर बाई कंट्रोल ठीक है तो ये चार नेचर ही हम लोगों ने पढ़ लिया कितने तरीके से हम लोग ओवरहेड को क्लासिफाई कर सकते हैं अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर अः कुछ थोड़े देर पहले हम लोगों ने एलोकेशन और एपोर्शन थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि एलोकेशन और एपोर्शन को क्या बोला जाता है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं वैसे मैंने बता दिया था एलोकेशन मतलब जब हमें डायरेक्टली पता चलता है अपोर्शन मतलब जब हम लोग किसी बेसिस पे अपोर्शन करते हैं खर्चे को किसी भी तरह का खर्चा हो ठीक है अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं वेन इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेट इन डिपार्टमेंट ठीक है अगर हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट का तो हम लोग इसको क्या करेंगे देन इट इज कॉल्ड एल ठीक है हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर कर पा रहे हैं और एलोकेट कर दे रहे तो एलोकेशन हो जाएगा और अगर डायरेक्टली नहीं कर पाते तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन Some reasonable basis. Reasonable. बेसिस ठीक है अगर हम लोग रीजनेबल बेसिस पे आइडेंटिफाई करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है जैसे मैंने तुम लोग को एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिखाया था इस तरह से रूम रेंट का भी हो सकता है ठीक है जैसे मान लो कोई फैक्ट्री रेंट पे है ठीक है कोई फैक्ट्री रेंट पे है और उस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए जैसे मान लो यहाँ पर है एक ए डिपार्टमेंट ठीक है यहाँ पर मान लो एक बी डिपार्टमेंट है यहाँ पर सी है यहाँ पर डी है ठीक है ये पूरे जगह का रेंट होता है सपोज फिफ्टी ठीक है फिफ्टी रेंट होता है

ट्वेंटी तो ये तो एलोकेशन हो गया हमारे रेंट का खर्चा अगर हम लोग ये पूरा जगह रेंट पे लेते ठीक है लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं बता के हमें बोल दिया ये ये पूरा जो जगह है ये आपको रेंट पे मिल जाएगा फिफ्टी थाउजेंड देना पड़ेगा तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हर एक डिपार्टमेंट में रेंट का खर्चा कितना कितना लगाए ठीक है, है तब हमारा इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर अपोर्सन करना ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर अपोर्शन जो है वो कहा किया जाता है ओवर एड में देखो अपोर्शन जो है वो मेनली डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जो हम बार बार बोल रहे हैं ना डिपार्टमेंट कहा मेनली क्या क्या डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है देखो अपोर्शन अपोर्सनमेंट ऑफ ओवर एड ठीक है तो मेनली डिपार्टमेंट में अपोर्शन किया जाता है और डिपार्टमेंट क्या क्या होता है मेनली दो डिपार्टमेंट होता है ठीक है एक का नाम होता है प्रोडक्शन दूसरे का नाम होता है सर्विस ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट होता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मेन होता है है ठीक ठीक डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन होता है लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट नहीं होता है सर्विस डिपार्टमेंट हम लोग तब रखते हैं अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा है ठीक है उसे मेंटेन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको एज ए कंप्लीमेंटरी डिपार्टमेंट रखते हैं ताकि हम लोग इजिली अपना स्मूथली वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट रखते हैं सबको सर्विस डिपार्टमेंट नहीं रखेगा जिनका बिजनेस छोटा है वो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं रख सकते सर्विस डिपार्टमेंट मतलब जैसे मेंटेनेंस स्टाफ रखना ठीक है कैंटीन का अरेंजमेंट करना ताकि इम्प्लॉई लोग बाहर जाके खाना खाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या फिर रिफ्रेशमेंट के लिए वर्कर लोगों का कुछ अरेंजमेंट करके रखना ठीक है थोड़, थोड़ा चोट लग जाए छोटा मोटा तो उसके लिए एक छोटा एक मेडिकल जो है फैसिलिटी रखना कि अगर थोड़ा बहुत लगता है तो उसका हम लोग कैसे आ, अपने फैक्ट्री में ही उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी ठीक है लेकिन ये सब वही करेगा ना जिसका बड़ा काम है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है सब तो नहीं कर सकते बट प्रोडक्शन सब कर सकते हैं हो सकता है किसी का छोटा बिजनेस है बट वो प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट अलग से वही जो है अप्लाई कर सकते हैं जिनका बड़ा बिजनेस होता है तो ये देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब कैसा डिपार्टमेंट डायरेक्टली लिंक्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स जो डायरेक्टली फिनिश गुड प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब डिपार्टमेंट

तो ये कंप्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है ठीक है कम्पलीमेंटिंग डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना गोल इजीली जो है वो आ, मतलब इजीली अपने गोल तक पहुंच सके ठीक है जैसे मान लो कि तुम लोग अगर चाय पीना चाहते हो तो तुम लोग के पास बड़ा रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन है ठीक है छोटा छोटा जो दुकान होता है फुटपाथ पे वो भी ऑप्शन है दोनों ही चाय बेचते हैं और फुटपाथ में तो और भी अच्छा चाय मिलता है सच बोले तो ठीक है तो देखो तो जो चाय है वो तुम लोग कहीं पर भी पी सकते हो ठीक है तो प्रोडक्शन देखो दोनों कर रहा है रेस्टोरेंट में भी वही चीज मिल रहा है वही आ, व, मतलब अब देखो किसका क्या अरेंजमेंट है वो तो हम बाद में बोलेंगे वो तो सर्विस डिपार्टमेंट में आ जाता है लेकिन चाय देखो एक फुटपाथ में जो दुकान है वो भी चाय बना सकते हैं रेस्टोरेंट वाले भी चाय बना सकते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सभी के पास हो सकता है लेकिन जैसे चाय पीने के लिए जो फुटपाथ वगैरह होता है वहां पर हमेशा हमारे पास फेसिलिटीज हो ऐसा जरूरी नहीं है चेयर हो ठीक है टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है किसी किसी जगह पे हो सकता है बेंच वगैरह है लेकिन जरूरी नहीं है लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में मिल जाएगा हम लोगों को ठीक तो इसका मतलब क्या हो गया उनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कर रहा है वो कंप्लीमेंट रख रहे तो देखो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करना पॉसिबल नहीं है तो वो मेन फिनिश गुड्स हमें जरूर दे सकते हैं ठीक है तो सर्विस डिपार्टमेंट क्या हो गया कंप्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट हो गया अच्छा अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं सर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जैसे पैकिंग डिपार्टमेंट अच्छा नीटिंग डिपार्टमेंट ठीक है वेविंग डिपार्टमेंट ये एक्चुअली देखो जैसे कपड़े का होता है ना बुनाई बुनाई करना ठीक है तो जो मान लो क्लोथ्स वगैरह प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर उनके लिए वेविंग वगैरह पैकिंग वगैरह ठीक है पैकिंग में भी दो चीज आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाता है ठीक है प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है कि ऐसा पैकिंग देखो प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है ऐसा पैकिंग जो पैकिंग किए बिना हम लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जैसे मान लो तेल वगैरह ठीक है सरसों तेल हो जो भी हो तो क्या सरसों तेल हम लोग डायरेक्टली ऐसे बेच सकते हैं कुछ तो पैकेजिंग करना पड़ेगा चाहे प्लास्टिक का बॉटल यूज करो या फिर पहले ग्लास का यानी कांच का बॉटल में भी आता था या फिर पाउच यूज करो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ठीक है अगर कोई लूज बेच रहा है तो फिर घर से हमें कुछ लेके जाना पड़ेगा कंटेनर ठीक है तो पैकिंग डिपार्टमेंट नीटिंग डिपार्टमेंट वेविंग डिपार्टमेंट ये सब हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है देखो सर्विस डिपार्टमेंट में आ सकता है कैंटीन ठीक है कैंटीन का फैसिलिटी कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने कैंटीन सर्विस दे रखा है ताकि एम्प्लॉय लोगों को बाहर जाके खाना ना पड़े तो ये एक हो जाएगा ठीक है रिफ्रेशमेंट सर्विस आराम करने के लिए भी जो है अरेंजमेंट कर रखा है मेडिकल सर्विस चोट वोट लग जाए तो मेडिकल सर्विस थोड़ा बहुत देने का फैसिलिटी कर रखा है लेकिन ये सब देखो ये अगर ये डिपार्टमेंट नहीं होगा तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम लोग नहीं कर सकते ठीक है जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं बट सर्विस डिपार्टमेंट नहीं होगा तो भी हम लोग काम कर सकते हैं बट अगर ऑर्गेनाइजेशन uh, बहुत बड़ा है ठीक है तो सर्विस डिपार्टमेंट का जरूर जरूरत जरूर होगा ठीक है क्योंकि देखो अगर सारे एम्प्लॉय चले जाएंगे खाना खाने के लिए फिर कौन कब आ रहा है हम लोग उनको थोड़ी ना अरेंज कर पाएंगे मैनेज ही नहीं कर पाएंगे इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा लोग है किसी को चोट लग रहा है तो मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए बार-बार ऑर्गेनाइजेशन -बार तो का ही भलाई है। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट ठीक है अच्छा अब देखो किस तरह से हम लोग एपोर्सन कर सकते एलोकेशन करना तो बहुत इजी है ठीक है डिपार्टमेंट के अंदर उसका प्रोसेस देखो कैसे होगा प्रोसेस ऑफ apportionment तीन स्टेप में अपोर्शन होता है पहला होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा होता है एब्स ऑप्शन ऑफ ओवर इट ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है देखो यहाँ स्टेप वन से ओवर इट का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेप थ्री में जाके कंप्लीट होता है तो पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी क्या होता है बताएंगे उसके बाद सारे खर्चे को एब्जॉर्प्शन करेंगे एब्जॉर्प्शन कहा करना है फिनिश गुड्स पे करना है ठीक है ये मैंने जस्ट स्टेप्स बताया अब देखो कैसे होता है देखो इस तरह से होता है ये जो कॉस्ट है का जो कॉस्ट है ठीक है ये दो डिपार्टमेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पास दो डिपार्टमेंट हो सकता है प्रोडक्शन तो होगा ही होगा ठीक है और अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारा बड़ा है तो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट भी होगा अब रूल्स हमें क्या बोल रहा है हमें सारा खर्चा कहाँ एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा सारे के सारे खर्चे हमें फिनिश्ड गुड्स में एब्जॉर्ब करवाने पड़ते हैं ठीक है फिनिश्ड गुड्स में एब्सॉर्ब करवाने पड़ते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना खर्चा जो भी हुआ है वो फिनिश गुड्स में चार्ज कर सकता है डायरेक्टली लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्टली वो फिनिश गुड्स में चार्ज नहीं कर सकता है ये अलाउड नहीं है सर्विस डिपार्टमेंट बना क्यों है फिनिश गुड्स बनाने के लिए नहीं बना है ठीक है वो बना है ताकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर पाए तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा होता है मतलब सर्विस डिपार्टमेंट चलने का एक एक सर्विस डिपार्टमेंट चल रहा है तो उसका जो भी खर्चा होता है जैसे मेडिकल वाला सर्विस डिपार्टमेंट हो या फिर कैंटीन वाला हो जो भी खर्चा होता है वो प्रोडक्शन अपना खर्चा जोड़ के किसको ट्रांसफर करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो खर्चा कलर चेंज कर देते हैं सर्विस को सर्विस तो कभी भी डायरेक्टली फिनिश गुड्स में नहीं भेज, सक, भेज सकते सर्विस का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा क्योंकि वो गुड्स बनाने के लिए नहीं बनाया गया है पहला पॉइंट नेक्स्ट यहां पर देखो नेक्स्ट और एक तरीका देखो यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका देखो यहां पर कैसे होता है ओवर कॉस्ट फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर तो एक कंसेप्ट बताया कि कैसे ट्रांसफर होगा और एक कंसेप्ट देखो दो डिपार्टमेंट फिर से बनाते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट ठीक है दो डिपार्टमेंट हो गया अच्छा अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेशन भी हो सकता है अगर हमारा ओवर एट एलोकेट कर सकते हैं तो एलोकेट कर देंगे अगर एलोकेट नहीं कर सकते तो अपोर्शन करना पड़ेगा मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो एलोकेट हो सकता है या अपोर्सन हो सकता है सिमिलरली सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो खर्चा क्या हो सकता है एलोकेशन भी हो सकता है अगर डायरेक्टली बताया गया है एपोर्शन भी हो सकता है अगर इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली नहीं बताया है तो कोई ना कोई बेसिस पे हमें अपोर्शन करना पड़ेगा ठीक है और इस चीज को क्या बोलते हैं इस चीज को बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है हर एक डिपार्टमेंट अपना खर्चा जब अपने ऊपर अप्लाई करवाता है ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा अब देखो इसका मतलब जो भी खर्चा है वो दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने ऊपर एलोकेट या अपोर्शन करेंगे डिपेंड ऑन द कंडीशन ठीक है अब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेप टू सेकेंडरी सेकेंडरी क्यों होता है उसका रीजन ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा तो कैलकुलेट कर लिया चाहे एलोकेट करके हो चाहे अपोर्शन करके हो लेकिन वो डायरेक्टली फिनिश गुड्स में नहीं दे सकता है जबकि हमें फिनिश गुड्स में अपने सारे खर्चे को एब्जॉर्ब करवाना होता है ठीक है कि एक प्रोडक्ट ही होगा जो पूरे कॉस्ट को अपने अंदर करेगा, ठीक है? तभी तो प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट कर नहीं सकता है तो वो भेजेगा किसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसी वजह से हम लोग को करना पड़ेगा फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा होगा ये वाला जो हुआ है ये देखो हम ऐसे कर देते हैं यहां से यहां पर चार्ज हो जाएगा ये एलोकेशन या एपोर्शन जो भी हुआ है इस डिपार्टमेंट का ये फिर प्रोडक्शन में चार्ज होगा ये अपने ऊपर हुआ इंडिविजुअली सेल्फ ठीक है फिर ये इसको ट्रांसफर कर रहा है इस चीज को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अलाउड नहीं है ना डायरेक्टली प्रोडक्ट को देना अलाउड नहीं है ठीक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अच्छा अब ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का था, अच्छा देखो थोड़ा सा बता बता भी देते इसको थोड़ा सा एलोबोरेट भी कर देते इसका मतलब क्या है एपोर्शन ऑफ एपोर्शन और एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नहीं काम करो इसको लिखो ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट होगा लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ठीक है अगर मोर देन वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होगा तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ये सारे खर्चे जो है हमें अपोर्शन करने पड़ेंगे ठीक है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ठीक है क्यों क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इसको फिनिश गुड्स में चार्ज नहीं कर सकते ठीक है अब ये थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एपोर्शन और एलोकेशन अभी मैंने यहां पर जस्ट एक फ्लो चार्ट करके भी दिखाए उसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं एपोर्शन और एलोकेशन ऑफ ओवर इट टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट देखो अभी अभी मैंने वही यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखाया कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा जब अपने पास एलोकेट या अपोर्शन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब एलोकेट करना है कि अपोर्शन करना है वो तो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है ठीक है फिर नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तभी होगा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा सर्विस डिपार्टमेंट होगा ठीक है तो यहां पर लिखते हैं एपोर्शन और एपोर्शन हाँ और एलोकेशन ऑफ ओवर इट ऑफ सर्विस Department between Production Department. Achha. एक चीज गलत हो जा रहा है इसको एलोकेशन मत लिखो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपोर्शनमेंट ही होगा ठीक है अपोर्शनमेंट ठीक है इसको अपोर्शन ही करना पड़ेगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर्टिकुलर बेसिस पे हम दिखा देंगे कैसे होगा कोई क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे आज तो हम लोग जस्ट इसका जो है बेसिक पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं कि क्या होता है ओवर ठीक है तो अपोर्शन ही क्यों लिखा मैंने एलोकेशन क्यों नहीं लिखा क्योंकि देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो उसका खर्चा जो है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो जाएगा कि ये जो

ऑफ ओवर एड ठीक है एब्जॉर्ब्शन कैसे होगा देखो एब्सॉर्ब एब्सॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे लिखो एब्जॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर आफ्टर Apportionment of Service Department to finished. गुड्स ठीक है तो क्या लिखा है मैंने देखो एब्सॉर्बिंग एब्सॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर डिपार्टमेंट मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का होने होने के बाद, मतलब होने के बाद बाद मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट ठीक है सारे खर्चे को कहां पर एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा फिनिश गुड्स में एबजॉर्ब करवाना पड़ेगा ठीक है ये तीन स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट किस चीज का बनाया है ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है तो ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन तीन स्टेप में हो सकता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है और सेकेंडरी तभी होगा अगर किसी का सर्विस डिपार्टमेंट होगा कोई ऑर्गेनाइजेशन का और सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंडरी मतलब सर्विस डिपार्टमेंट होगा हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट ही अवेलेबल होगा ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ये तो मैंने जस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बता दिया अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन स्टेप में होगा देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन स्टेज में होगा स्टेप वन डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट

A portion of over it on reasonable basis. Okay. ये समझाते हैं पहले ये फ्लो चार्ट देखो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे का एलोकेशन या अपोर्शन खर्चे का एलोकेशन या अपोर्शन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ओवर एट पढ़ रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट खर्चा जो है वो तो प्राइमरी कॉस्ट में चला गया है वो तो ओवर एड में नहीं आने वाला लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट खर्चा है वो भी तो हो सकता है सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट कॉस्ट है यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस वो तो चला गया है प्राइमरी कॉस्ट में ठीक है अब हम लोग क्या कैलकुलेट करें हम लोग जितने भी ओवरहेड है उसे कैलकुलेट करें इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट लिखा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा वो तो प्राइमरी कॉस्ट में आ चुका होगा ठीक है तो हम लोग तो यहाँ पर जो डायरेक्ट खर्चा है उसको लेके बात नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो हम लोगों ने इसीलिए बनाया है ताकि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्मूथली रन कर सके वो अपना गोल को इजीली अचीव कर सके क्योंकि हम लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्विस डिपार्टमेंट में अगर कोई डायरेक्ट खर्चा हो रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देंगे जैसे मान लो तीन सर्विस डिपार्टमेंट है और वहां पर कोई डायरेक्ट खर्चा है तो वो तीनों सर्विस डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से एलोकेट हो जाएगा और डायरेक्ट है तो एलोकेट ही होगा डायरेक्ट है तो हमें पता है ना कौन से डिपार्टमेंट में कितना है तभी तो डायरेक्ट बता रहा है इसीलिए अगर कोई डायरेक्ट खर्चा आता है वैसे ओवरइट में नहीं आएगा अगर डायरेक्ट खर्चा आता है तो वो सर्विस का ही होगा और अगर सर्विस डिपार्टमेंट का है तो उसे हमें रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उस हिसाब से एलोकेट करना है ये अपोर्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि डायरेक्ट खर्चा

ठीक ओवर एट का खर्चा जो है वो दोनों में जाएगा लेकिन अगर डायरेक्ट uh, कॉस्ट है वो सिर्फ सर्विस का ही होगा क्योंकि प्रोडक्शन का डायरेक्ट कॉस्ट हो प्राइमरी कॉस्ट में आ चुका है फिर क्या होगा लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा एपोर्समेंट ऑफ ओवर बेसिस और अपोर्सन कैसे करेंगे रीजनेबल बेसिस से करेंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लाइट पॉइंट से कर सकते हैं ठीक है थीके? और रेंट का खर्चा फ्लोर एरिया पे कर सकते हैं इस तरह का अलग अलग बहुत सारा रीजनेबल बेसिस होता है ठीक है तो हम एक काम करते हैं रीजनेबल बेसिस क्या क्या हो सकता है हम कुछ एजम्सन लिखा देते हैं लेकिन इसे तुम लोगों को रटना नहीं है ठीक है ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं अलग बेसिस भी हो सकता है ये जस्ट एक लिस्ट है ठीक है जैसे मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग तो फैक्ट्री बिल्डिंग अगर हमारा है फैक्ट्री बिल्डिंग रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो हम हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा ही होता है अब फैक्ट्री हम लोगों का दो तरह का हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग एक तो हम लोग का ओन मतलब खुद का हो सकता है या एक रेंट रेंट पे हो सकता है ठीक है अगर खुद का फैक्ट्री बिल्डिंग है तो उस फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या क्या खर्चा हो सकता है डेप्रिशिएशन जो एक ओवर खर्चा होता है मतलब इनडायरेक्ट खर्चा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है ठीक है इंश्योरेंस हो सकता है अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है टैक्स देना पड़ रहा है खुद का बिल्डिंग है ना फैक्ट्री में क्लीनिंग का खर्चा हो सकता है फैक्ट्री क्लीनिंग ठीक है ये सब खर्चा हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग पे अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो भी डेप्रिशिएशन का खर्चा होगा नहीं डेप्रिशिएशन कौन लेगा जो ओनर है वही कैलकुलेट करेगा जो रेंट पे रहते वो थोड़ी ना रूम का या बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस होगा हो सकता है नहीं भी हो सकता है अब देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रेंट के बिल्डिंग पे हमें कितना करना है वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो टेनेंट है उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है ठीक है मतलब लैंड के साथ जो एग्रीमेंट होता है वहां पर लिखा हुआ रहता है कि कितना तक खर्चा होने से लैंड uh, करेंगे कितना तक खर्चा होने से जो रेंटेड पर्सन है उनको करना पड़ेगा तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट ठीक है फैक्ट्री क्लीनिंग का खर्चा तो करना ही पड़ेगा अगर फैक्ट्री खुद यूज कर रहे हो जैसे किसी रूम पे रेंट पे रह रहे हो तो खुद ही साफ करना पड़ेगा या फिर किसी को रखना पड़ेगा ठीक है तो क्लीनिंग का खर्चा हो सकता है म्यूनिसिपल टैक्स का खर्चा नहीं आएगा क्योंकि टैक्स तो ओनर को पे करना पड़ता है वी आर नॉट द ओनर हम लोग रेंट ले रहे हैं अच्छा और क्या हो सकता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस का खर्चा भी नहीं होगा क्योंकि अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहे वो ओनर ही करवाता है नॉर्मली ठीक है तो अगर रेंटेड है तो वो हमारा खर्चा नहीं आएगा हाँ रेंट का खर्चा आएगा ठीक है रेंट का खर्चा तो फैक्ट्री बिल्डिंग का ये सब खर्चा हमें दे सकता है एज एवर खर्चा ठीक है तो ये सब खर्चा हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्ट्री का का खर्चा फैक्ट्री का रेंट का खर्चा इस तरह का कोई भी खर्चा बोल रहा है तो हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्लोर एरिया पे ठीक है फ्लोर एरिया बेसिस पे हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये एक एजम्शन दिया मैंने ठीक है कि फैक्ट्री क्लीनिंग करवा रहे कौन सा एरिया कितना बड़ा है उस है उस हिसाब से जो खर्चा हम लोग पे कर रहे हैं ठीक है तो खर्चा जो भी आ रहा है फैक्ट्री क्लीनिंग का मान लो खर्चा आता है मंथली थर्टी थाउजेंड ठीक है अब कौन से डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है तो कितना फ्लोर एरिया है उस पर डिपेंड करेगा तो ये एक कैजम्पन है कि अगर फैक्ट्री बिल्डिंग पे ये इस तरीके का कुछ खर्चे का बात हमें किया गया है तो वो फ्लोर एरिया पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है सेकेंड देखो जैसे लाइट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर हमें ये सब हमें कब करना पड़ेगा जब हमें अपोर्शन करना पड़ेगा एलोकेशन का नहीं है ठीक है अगर मान लो हमें बता ही दिया है कि बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन कितना होता है अगर हमें बता ही दिया है कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना है तो तो प्रॉब्लम खत्म लेकिन अगर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है तो फिर हमें कुछ ना कुछ बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि एक बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है किसी फैक्ट्री ने ठीक है तो फैक्ट्री क्लीनिंग का खर्चा अपोर्शन करना पड़ेगा म्यूनिसिपल टैक्स को अपोर्शन करना पड़ेगा ठीक है जैसे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखो तो ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट जहां पर जितने लाइट पॉइंट लगे हुए हैं उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट मिसिंग रहता है तो क्या हो होता है तो देखो फ्लोर एरिया यूज कर सकते हो फ्लोर एरिया ठीक है फ्लोर एरिया यूज कर सकते हो ये सब लेकिन याद नहीं करना है तुम लोग क्वेश्चन देखने से खुद ही बता सकोगे क्या होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा नेक्स्ट देखो प्लांट एंड मशीनरी ठीक है प्लांट एंड मशीनरी भी दो टाइप का हो सकता है या तो खुद का है या तो रेंट का है ठीक है या तो खुद का है या तो रेंट का है अगर खुद का है तो क्या क्या खर्चा लग सकता है क्या क्या खर्चा हो सकता है डेप्रिशिएशन हो सकता है ठीक है इंश्योरेंस हो सकता है ठीक है रिपेयर्स मेंटेनेंस हो सकता है और अगर रेंट का है तो भी रिपेयर्स मेंटेनेंस लगेगा पहला बात है रेंट लगेगा दूसरा बात है रिपेयर्स मेंटेनेंस लगेगा हम लोगों ने प्लांट मशीनरी रेंट पे लिया है हम लोग प्लांट मशीनरी पे रिपेयर्स तो कैसे रिपेयर करेंगे तो नॉर्मली हमें रूल्स ये बताता है कि बुक वैल्यू या कॉस्ट ऑफ द मशीन पे करो ठीक है हमें क्या बताया जाता है हमें नॉर्मली ये बताया जाता है कि बुक वैल्यू बुक वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी जो कॉस्ट है है ठीक मान लो एक थाउजेंड का प्लांट है एक का है, तो 20, मतलब ये पे, लो का खर्चा हो रहा है दस हजार तो वन इज टू टू बेसिस पे कर देंगे जो प्लांट का है, उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये होता है ठीक है नेक्स्ट देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर किसी तरह का इनडायरेक्ट मेटीरियल कॉस्ट है तो वो कैसे एपोर्शन होगा जैसे कि ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह ठीक है ऑयल यूजिंग इन मशीन फॉर स्मूथ रनिंग मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए अगर हम लोग ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं तो ये इनडायरेक्ट मेटीरियल कॉस्ट हो गया ठीक है इसको कैसे अपोर्शन करना है ये इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करेंगे इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट को इनडायरेक्ट तो ये भी था इनडायरेक्ट मेटीरियल कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करना है इसको अपोर्शन करना है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटीरियल ठीक है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटीरियल डायरेक्ट मेटीरियल का जो कॉस्ट होगा उसके बेसिस पे अपोर्शन होगा ठीक है प्रैक्टिकली जब करोगे ना मतलब सम्स तब और भी इजीली समझ जाओगे कि कैसे होगा अभी फिलहाल बेसिस लिख लो ठीक है फिफ्थ नंबर पे देखो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे कि सुपरवाइजर ठीक है सुपरवाइजर हो सकता है सुपरवाइजर का सैलरी सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा है ये कैसे अपोर्शन करेंगे ये हमें कैसे अपोर्शन करना पड़ेगा ये हम लोग अपोर्शन करेंगे आ, ना यहाँ पर सुपरवाइजर का नहीं दे रहा है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहां पर दे इस तरह से डिपार्टमेंट का दे देते रिफ्रेशमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्लॉयज ठीक है रिफ्रेशमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्लॉइज ये दे दिया तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे हमें इसे क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मैंने सुपरवाइजर का इसीलिए हटा दिया क्योंकि सुपरवाइजर का जो सैलरी है सुपरवाइजर कितने लेबर uh, को सुपरवाइज कर रहे हैं नंबर ऑफ लेबर पे भी हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन मान लो कि रिफ्रेशमेंट कॉस्ट जो है एम्प्लॉय के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ठीक है अच्छा सिक्स नंबर देखो इंप्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेज Employee related expenses. जैसे कि टाइम कीपिंग टाइम कीपिंग हम लोग लास्ट जो है अपने लेबर कॉस्टिंग में देखे थे टाइम कीपिंग क्या होता है टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि अटेंडेंस अटेंडेंस शीट को मेंटेन करना अगर हम लोग किसी पर्सन को रख रहे जो अटेंडेंस शीट मेंटेन कर रहा है ठीक है कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है इस चीज को ट्रेस करने के लिए ठीक है ताकि हमारा टाइम वेस्टेज ना हो तो टाइम कीपिंग का एक्सपेंसेस ठीक है इसे टाइम कीपिंग का एक्सपेंस बोलते हैं ये मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी लेबर कॉस्टिंग में करवा दिया है और क्या हो सकता है यहाँ पर लिखेंगे देखो सुपरवाइजर चार्जेस ठीक है सुपरवाइजर को कुछ भी सैलरी वगैरह जो दे रहे हैं उसका खर्चा कैंटीन का खर्चा कैंटीन एक्सपेंसेस ठीक है पर्सोनल डिपार्टमेंट पर्सोनल ठीक है पर्सोनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जहां पर लोगों को मतलब एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स जहां पर लोगों को रिक्रूट किया जाता है डिस्कर्ड किया जाता है मतलब होम टू हायर होम टू फायर ठीक है ये डिपार्टमेंट का काम ये है किनको हायर करे किनको हटा दे ठीक है तो पर्सोनल डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स वाला होता है एच डिपार्टमेंट ठीक है जो मैनेज करते हैं किन लोगों को काम पे रखना है किन लोगों को नहीं रखना है तो इन इन सभी को खर्चा देना पड़ता है हम लोगों ने एक टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस की कर रखा है हम लोगों ने एक पर्सन को बैठा रखा है जो कि एक अटेंडेंस शीट मेंटेन करता है लेबर कब आ रहा है कब जा रहा है कौन सा लेबर कब आया कब गया कितने टाइम वो बाहर था क्या कर रहा था ठीक है सुपरवाइजर को रखे हैं काम को अच्छे से देखने के लिए मेंटेन करने के लिए कैंटीन का खर्चा भी कर रहे हैं ताकि लेबर लोग बाहर जाके ना खाए टाइम में ही जो है काम स्टार्ट हो जाए कम टाइम लगे बाहर जाने से ज्यादा टाइम लगेगा पर्सनल डिपार्टमेंट का, का काम यह है कि किनको रिक्रूट करना है किनको हटा देना है ठीक है तो इनका जो खर्चा होता है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इंप्लॉइज के हिसाब से ठीक है इसका नंबर ऑफ इंप्लॉइज के हिसाब से होता है अच्छा सेवेंथ नंबर मोटिव पावर ठीक है मोटिव पावर का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा मशीन वगैरह चलाने के लिए जो पावर यूज होता है ठीक है जैसे कि जैसे किलोवाट में ठीक है किलोवाट जो कॉमर्शियल पावर्स होता है ठीक है किलो वट आवर्स हॉर्स पावर ठीक है हॉर्स पावर ये सब जो है ये मोटिव पावर होता है ठीक है हाई कैपेसिटी वाला पावर ठीक है जो मशीन को चलाने के लिए लगता है मोटिव पावर का मतलब क्या होता है पता है पावर टू रन मशीन ठीक है मशीन को रन करवाने के लिए जो जैसे कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होता है एक डोमेस्टिक होता है घर पे जो हम लोग बत्ती पंखा ये सब चलाते हैं ना इसके लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगता है एसी वगैरह लगाओगे तो देख सकते हो कभी लगाते हो तो उसमें क्या होगा नॉर्मल पावर से नहीं होता अगर पहले से वो पावर कंजम्शन फैसिलिटी है तुम्हारे घर पे तो होगा अगर तुम लोग के घर पे वो नहीं है तो अलग से उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो है कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ता है नहीं तो जो है एसी नहीं चल पाएगा क्योंकि

इन टू मशीन आवर ठीक है मतलब एक घंटा चलने पे कितना हॉर्स पावर कंजम्शन हुआ इन टू जितना टाइम मशीन चला इस बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस खर्चे को ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो ऑफ क्रेन और फॉरक्लिप ठीक है क्रेन से क्या होता है फैक्ट्री में क्रेन वगैरह का यूज होता है औ, ट्रक का यूज होता है तो, मे, मेटीरियल वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए ठीक है फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए ठीक है तो इसका खर्चा क्या है इसका मेन खर्चा है इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर रखना पड़ता है तो उनको कुछ सैलरी वगैरह देना पड़ेगा ठीक है अब इसको मेंटेनेंस करने का भी खर्चा होगा ठीक है इसका डेप्रीशिएशन भी होगा ठीक है अच्छा अब ये तो ड्राइवर ही बोल सकता है कि कब कौन से डिपार्टमेंट में उसने कितना सर्विस दिया है ठीक है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं जो ड्राइवर होता है उनको हम लोग एक ऐसे बोल सकते हैं कि आप एक डायरी मेंटेन करो जहां पर रिकॉर्ड करो कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में कि कितने टाइम सर्विस दिया है ठीक है तो ये खर्चा हम लोग कैसे अपोर्शन कर सकते हैं ये खर्चा हम लोग अपोर्शन इस तरह से कर सकते हैं टेक्निकल एस्टिमेट

तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ड्राइवर ने एक्चुअली क्या रिकॉर्ड किया है कि उसने कौन से डिपार्टमेंट में कितना टाइम स्पेंड किया है कितना टाइम सर्विस दिया है उस टाइम के हिसाब से हम लोग उस खर्चे को अपोर्शन कर सकते हैं मान लो दो डिपार्टमेंट है एक डिपार्टमेंट में दो घंटा सर्विस दिया एक डिपार्टमेंट में एक घंटा सर्विस दिया तो टू टू में हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये क्रेन या फॉर्कलिफ्ट ट्रक को मेंटेन करने का जो भी खर्चा आया था ड्राइवर का हो मेंटेनेंस का हो डेप्रिशिएशन का हो टोटल जो भी खर्चा है उसे हम लोग टाइम बेसिस पे अपोर्शन कर सकते हैं ठीक है अच्छा और बस तीन है लिखवा देते हैं ठीक है तो नेक्स्ट दिन हम लोग सम्स कर पाएंगे और तीन लिखवाना है नेक्स्ट हो जाएगा मैनेजर सैलरी मैनेजर सैलरी मैनेजर को जो सैलरी दिया जाता है ठीक है तो इसे हम लोग कैसे अपोर्शन कर सकते हैं तो इसे हमें अपोर्शन करना पड़ेगा टेक्निकल एस्टिमेट हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा पहले टेक्निकली कि मैनेजर का कौन से डिपार्टमेंट में कितना टाइम गया टेक्निकल एस्टिमेट एंड आवर्स डिवोट डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट ठीक है हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर ने कितना कितना टाइम स्पेंड किया उस हिसाब से हम लोग मैनेजर सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मान लो मैनेजर का सैलरी है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है उन्होंने डिपार्टमेंट वन में हम लोगों ने एस्टिमेट करके देखा पांच घंटा एक जगह पे चार घंटा एक जगह पे एक घंटा दिया तो फाइव इंस टू फोर इंस टू वन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं ठीक है थीके? कि कितना हो रहा है खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट है स्टोर रूम एक्सपेंसेस ठीक है स्टोर रूम मतलब जहां पर मेटेरियल वगैरह स्टोर करके रखा जाता है ठीक है तो स्टोर रूम में क्या क्या खर्चा हो सकता है स्टोर कीपर का हो सकता है हम लोगों ने एक स्टोर कीपर रखा है ठीक है स्टोर कीपर का खर्चा हो सकता है अच्छा स्टोर कीपर सैलरी ऐसे लिख देते हैं और क्या हो सकता है क्लीनिंग स्टाफ रखा है ताकि स्टोर क्लीन रहे मेंटेनेंस स्टाफ रखा है उनका सैलरी क्लीनिंग स्टाफ सैलरी ठीक है मेंटेनेंस स्टाफ सैलरी तो इनके खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ स्टोर ऐसे देखो नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन ठीक है इसका मतलब हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग में पड़ चुके हैं नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन का मतलब होता है जितने बार स्टोर में रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है कौन भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है कि मुझे ये मेटेरियल चाहिए तो जितना बार रिक्वेस्ट आएगा उस हिसाब से इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टोर कीपर को सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना बार रिक्वेस्ट आया है उसके हिसाब से ठीक है तो ये एक एजम्सन होता है नेक्स्ट हो गया मेटेरियल कैरिंग कॉस्ट मेटेरियल कैरिंग और मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ठीक है इसका मतलब क्या होता है मेटेरियल को रखने का खर्चा देखो मेटेरियल हम लोग क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं अब इसको रखने का खर्चा क्या हो सकता है मान लो हम लोगों ने मेटेरियल को रखने के लिए एक आ, क्या किया है हम लोगों ने मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या क्या हो सकता है जैसे एक गोडाउन रेंट पे ले लिया ठीक है एक हम लोगों ने आ, जो है सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट कर दिया तो मेटेरियल को रखने का ये सब खर्चा हो सकता है हम लोगों ने क्या किया लोन पे मेटेरियल खरीद लिया ठीक है ये सब मेटेरियल कैरिंग कॉस्ट हो गया तो मेटेरियल कैरिंग कॉस्ट का जो खर्चा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो या तो वेट वेट ऑफ मेटेरियल ट्रांसफर जितना मेटेरियल जितने वेटेज का मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसके हिसाब से हो सकता है या फिर डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट के हिसाब से हो सकता है डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट के हिसाब से हो सकता है ठीक है और लास्ट ट्वेल्व पॉइंट सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर कुछ संड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो उसे हम लोग तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे अगर हमें खर्चे का नाम नहीं दे रखा है बोल रहा है कि सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पे कर सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे कर सकते हैं या फिर मशीन आवर पे कर सकते हैं ठीक है मशीन आवर्स पे कर सकते हैं लेकिन जो भी एजम्पन क्यों ना ले वो हमें लिखना पड़ेगा नोट देना पड़ेगा ठीक है नोट्स रिक्वायर्ड ठीक है क्योंकि ये मिसलेनियस खर्चा है तो ये करो या फिर ये यूज करो या फिर ये यूज करो तीनों ही ठीक है लेकिन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबिलिटी किस चीज का है तो उस हिसाब से करेंगे और हम लोग नोट दे देंगे अगर मान लो दो अवेलेबिलिटी है तो कौन सा लिया हम लोगों ने वो हम लोग दे देंगे कि हम लोग मिसलेनियस खर्चे को डायरेक्ट मेटेरियल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा एजम्पन लेके हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ठीक है तो देखो मैंने लिस्ट पे एक लिखवा दिया ये किस तरीके से हो सकता है बाकी इसका और भी अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन